रहे थे लास्ट, यहां तक हम पहुंच गए थे राइट। किसने कहा टेबल पढ़ रहा था? टेबल तो भाई हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी ना, जिस दिन टेस्ट हुआ था आपका उस दिन भी थोड़ी सी क्लास हुई थी एक्चुअली। अच्छा, तो इस स्क्रीन पे इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि फॉर्म एक्चुअल में काम कैसे करता है। कह रहे हैं कि यूज़र जो है ना एक फॉर्म फिल करता है और सबमिट का बटन जैसे ही वो दबाता है तो वहाँ से डेटा उठ के ना एक सर्वर पे जाता है। सर्वर क्लाउड पे एक मशीन होती है जिससे हम इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई सर्वर को जो वो डेटा मिलता है तो उसको प्रोसेस करता है। अब वो प्रोसेस किसी भी किस्म का हो सकता है, मे बी वो उस डेटा को डेटाबेस में सेव कर देता हूँ, मे बी वो इस डेटा से कुछ चीज़ क्वेरी करके डेटाबेस से निकाल के रिटर्न करता हूँ, ठीक है। मे बी वो क्या करता हूँ, इन वैल्यूज़ को आपस में ही कुछ प्लस माइनस करके वापस भेज देता हूँ, ठीक है। तो कई तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह जब सर्वर के टॉपिक पे पहुँचेंगे हम तो फिर वो हम चीज़ चेक करेंगे कि सर्वर पे क्या क्या होता है। इन्होंने कहा कि सर्वर जो है ना वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हो सकती है, PHP, C#, VB.NET या जावा पे भी हो सकती है। सही है, ये लैंग्वेजेस बताई हैं। अच्छा, हम जो सर्वर पढ़ेंगे तो हम कौन सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे? जावा स्क्रिप्ट। सही है, हम नॉट जेएस का सर्वर पढ़ेंगे तो उसमें जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है। तो अच्छा, PHP पे भी सर्वर लिखे जाते हैं लेकिन PHP एक टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी हो गई है और इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। उससे ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो नॉट जेएस है और जो नए फ्रेमवर्क्स हैं उससे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसलिए हम स्टेट ऑफ द आर्ट, हम जो इस कोर्स में फॉलो करने की कोशिश करेंगे मर्न स्टैक। तो मर्न स्टैक के अंदर जो है वो नॉट जेएस का सर्वर चलता है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी स्टैक इसको कहते हैं, टेक्नोलॉजी स्टैक उसको कहते हैं कि वो तमाम टेक्नोलॉजी जिनको मिला के पूरी एप्लीकेशन बन सके, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें फ्रंट एंड चाहिए, सर्वर चाहिए, डेटाबेस चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को हमें ज़ाहिर है कोई ना कोई स्टैक होगा इसका कि भाई ये फ्रंट एंड में ये सीख लो, सर्वर पे ये सीख लो, डेटाबेस ये सीख लो, तो इसको मिला के स्टैक बनता है। तो हर दौर का एक स्टैक रहा है, इस दौर का जो स्टैक है वेब डेवलपमेंट का उसको हम कहते हैं मर्न स्टैक। सही है, मर्न स्टैक से पहले जो मार्केट में डिमांड थी जिसकी ज़्यादा, वो था मीन स्टैक, और मीन स्टैक से भी पहले एक हुआ करता था लैम्प स्टैक। लैम्प स्टैक में होता था आपका पी फॉर तो PHP होता था लैम्प, और हाँ लारावेल होता था शायद फर्स्ट एल, और एक इसका होता था वेल, तो उसमें लारावेल PHP वगैरह को मिला के, और इस तरह एक लैम्प स्टैक होता था, और भी होंगे उस ज़माने के। बहरहाल मैंने जो अपना करियर शुरू किया था वो मीन स्टैक से किया था, लैम्प स्टैक मैंने नहीं देखा, PHP मैंने कभी काम नहीं किया। तो फिर मर्न स्टैक जब ज़ाहिर है, अच्छा ये मर्न स्टैक भी ऐसा नहीं है हमेशा रहेगा, ज़ाहिर है नई टेक्नोलॉजी आती है, फ्रेमवर्क चेंज होते हैं, नई लैंग्वेजेस जो मज़ीद एफिशिएंट होती हैं तो वो चेंज होती है ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन ये है कि जब मैं, क्योंकि एक स्टैक आप पढ़ चुके होते हैं, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होते हैं कि डेटाबेस एक्चुअल में वर्क करता कैसे है, तो वो जस्ट लैंग्वेज चेंज होना इज़ नॉट अ बिग डील, बट स्टिल आप जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। मैंने भी जब मर्न स्टैक पे मैं मूव हुआ तो मुझे तकलीफ़ हुई, ज़ाहिर है सीखना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, ठीक है। और पढ़ाई करना वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ों में से एक है, पढ़ाई करना, किसी नई चीज़ को सीखना जो है ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मुश्किल है, किसी और से होगा नहीं, मेरी डिमांड बनी रहेगी, तो इसलिए मेरे लिए अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह जब भी ये टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो सब मिलके पढ़ेंगे दोबारा, पर कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, तो सर्वर उसको प्रोसेस करता है और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करता है जो यूज़र को सामने वापस नज़र आ जाता है। हम जो अभी फॉर्म बनाएंगे इस क्लास में फ़िलहाल के लिए वो डमी फॉर्म्स होंगे, यानी उसको सबमिट करने से सर्वर पे कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि वो अभी तक हमने सीखा नहीं है सर्वर को बनाना। फिर जैसे ही हम अभी जावास्क्रिप्ट पे पहुंचेंगे, फिर हम आगे सर्वर पे पहुंचेंगे, तो इसी फॉर्म को हम फिर क्लिक करने पर सर्वर पर डेटा भी भेजा करेंगे। फिर हम अच्छा कह रहे हैं कि अ फॉर्म मे हैव सेवरल फॉर्म कंट्रोल्स ईच गैदरिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन, द सर्वर नीड टू नो विच पीस ऑफ इनपुटेड डेटा कॉरस्पॉन्ड विथ विच फॉर्म एलिमेंट। कह रहे हैं कि आप
फॉर्म के अंदर ना डिफरेंट तरह के फॉर्म कंट्रोल होते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि रेडियो बटन, पासवर्ड इनपुट, ईमेल इनपुट, डेट इनपुट, कलर इनपुट, ये सारी चीज़ें, ये डिफरेंट तरह का डेटा इसमें आप एंटर करते हैं। और जब आप सर्वर पे भेजते हैं ना, तो सर्वर नीड्स टू नो कि कौन सा वाला डेटा क्या है। सही है, मतलब नेम लिखा हुआ है, ईमेल लिखा हुआ है, तो सर्वर को तो नहीं पता ना कि फर्स्ट जो है वो नेम है या फर्स्ट ईमेल है, सर्वर को ही नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म के अंदर नेम और उसके अगेंस्ट वैल्यू जो है ना वो हम मैंशन करते हैं कि आपका जो अभी ये नीचे उन्होंने लगा के भी बताया होगा, ठीक है। आप देखें ये वाला जो है ना इनपुट जो है, इसका टाइप है टेक्स्ट, लेकिन जब सर्वर पे जाएगा ना, तो इसका नाम क्या शो होगा उधर, कि यूज़र नेम है ये। जब सर्वर पे जाएगा तो ये नेम लगा हुआ होने की वजह से ये साथ में लेके जाएगा कि इसकी जो वैल्यू है ना, इसमें जो भी कॉरेस्पॉन्ड हुई हुई है इसके साथ, तो वो सर्वर पे जब मिलेगी तो वो यूज़र नेम के अगेंस्ट वो वैल्यू मिलेगी। जब यूज़र देखेगा, अच्छा मेरे पास यूज़र नेम आया है, अच्छा उसके नीचे फिर पासवर्ड आया है, अच्छा उसके नीचे फिर डेट आई है, तो नेम करके मुझे ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, ठीक है। तो सर्वर पे जब ये पहुँचेगा तो ये कुछ इस तरह से पहुँचेगा, अगर बंदे ने लिखा है ना ईव या आई वे, जो भी नाम है ये, सही है, तो वहाँ सर्वर पर ऐसे पहुँचेगा कि भाई यूज़र नेम इक्वल्स टू मलिक। तो इस वजह से ये नेम लगाना आपको क्या होता है, ज़रूरी होता है। अच्छा, फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल सा है। एक फॉर्म का एलिमेंट होगा जो कि ओपन हो रहा होगा टैग, और एक टैग क्लोज हो रहा होगा। ये फॉर्म की हदूद है, इसके अंदर, इसके दरमियान में आपने तमाम फॉर्म कंट्रोल्स जो हमने पढ़े हैं वो इसके दरमियान में लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसके दरमियान में अगर आप नहीं भी लगाएंगे ना, वैसे भी इनपुट लिख देंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा इनपुट, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ना उसकी काम नहीं करेंगी सही तरह, जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उससे, ठीक है। तो इस वजह से आपने फॉर्म के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो फॉर्म के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान लिखना है। अच्छा, अब आप नोट करें यहाँ पे ना, फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। फॉर्म में एक एक्शन लगा हुआ है, और उस एक्शन में ना एक यूआरएल डला हुआ है। ये यूआरएल कौन सा है, ये उस सर्वर का यूआरएल है के क्लिक करने से जहाँ पे डेटा भेजना है, क्योंकि आपको पता है सर्वर को एक्सेस करने के लिए यूआरएल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे अब गूगल डॉट कॉम इज़ अ सर्वर एक्चुअली, ठीक है। तो गूगल डॉट कॉम पर मुझे कोई अगर इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो मैं उसके यूआरएल के ज़रिए भेजता हूँ। तो मेरा सर्वर खुद का जब मैं बनाऊँगा मैं, तो उसका कोई ना कोई ऐसे एड्रेस होगा, इन्होंने एग्जाम्पल डॉट कॉम लिखा है, लेकिन मेरा कोई ना कोई सर्वर का एड्रेस होगा जो क्लाउड पे चल रहा होगा, उसको मैं यहाँ से यूआरएल के थ्रू एक्सेस करूँगा। और स्लैश सब्सक्राइब, तो उस सर्वर के अंदर मैं सब्सक्राइब के नाम का, जाहिर है सर्वर के डिफरेंट उसमें काम हो रहे होते हैं, जैसे फेसबुक पे जब आप जाते हैं तो facebook.com/profile पे आपकी प्रोफाइल का पेज आता है, स्लैश सेटिंग के अंदर सेटिंग का पेज आता है। तो इस तरह सब्सक्राइब वाली जगह पे ना सर्वर को मैं बता रहा हूँ कि ये सब्सक्रिप्शन भेज रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सर्वर मुख्तलिफ काम कर सकता है। सर्वर मिसाल के तौर पर मेरा सर्वर है, मैं उससे तमाम यूज़र गेट कर सकता हूँ, एक नया यूज़र साइनअप के लिए भेज सकता हूँ। तो मैं स्लैश के ज़रिए वो बताता हूँ कि भाई मैं स्लैश साइनअप भेज रहा हूँ या स्लैश लॉगिन भेज रहा हूँ, और कुछ डेटा साथ में भेजता हूँ, तो सर्वर को समझ आता है कि अच्छा साइनअप करना चाह रहा है बंदा, और ये इसका यूज़र नेम, ईमेल और एड्रेस वगैरह, तो वो डेटा बेस में सेव करता है। तो इस तरह से कुछ कर रहा होता है सर्वर काम। तो ये वाला एक्शन जो है, हम चूँकि हमने अभी सर्वर सीखा नहीं है तो हम ये नहीं लगाएंगे, इसके बगैर हम इसको अभी चला कर देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा मेथड है, सर्वर पे जब हम यूआरएल के ज़रिए उसको कुछ मैसेज भेजते हैं ना, तो साथ में हमें क्या भेजना पड़ता है, एक अदद मेथड भी भेजना पड़ता है कि ये मेथड गेट का है या पोस्ट का है या पुट का है या डिलीट का है। तो चार तरह के मेथड होते हैं, तो यूआरएल के साथ हमेशा मेथड इन्वॉल्व रहता है। जब मैं सर्वर से बात करता हूँ तो हमेशा यूआरएल से, जब मैं सर्वर से बात करूँगा ना, तो एक मेथड भी इन्वॉल्व रहता है। अब ये मेथड एक्चुअली क्या होता है, ये अभी शायद ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। वेल, तो ये इन्होंने एक बेसिक फॉर्म बनाकर दिखाया है, लेकिन इसमें कोई फॉर्म कंट्रोल नहीं है फिलहाल। तो हम और आगे चलते हैं, और हम ये फॉर्म कंट्रोल वाला जो फॉर्म है ना, ये इसको यहाँ से उठा लेते हैं, और आपका जो कोड है वो ओपन कर लेता हूँ मैं, लास्ट हम जो लिख रहे थे। ओके, और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, फाइव फॉर्म्स, और मैं इसके अंदर एक index.html बना लेता हूँ, इसमें बेसिक html लिख देता हूँ मैं,
एक अदद हेडिंग लगा देता हूँ इसमें मैं, ओके HTML5 फॉर्म्स, और उसके नीचे मैं एक अदद फॉर्म बना देता हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने फॉर्म बना दिया, और मैं गो लाइव का बटन दबा देता हूँ, उससे ये मेरे पास स्क्रीन पे खुल के नज़र आ गया। तो ये एक छोटा सा फॉर्म बना है जिसके अंदर इस वक्त सिर्फ एक फील्ड मौजूद है। अच्छा, ये वाला जो एक्शन है, अगर मैं इसको हटा भी दूँ ना तो क्या होगा, ये फॉर्म स्टिल अपनी जगह पे रहेगा, ये फॉर्म अपनी जगह पर है। अच्छा, और मुझे अब क्या करना है, मुझे अब ये करना है कि इसमें एक फील्ड में और बना दूँगा, एक फील्ड मैंने और बना दी, मैंने कहा पासवर्ड। ठीक है, तो अच्छा देखो हो क्या रहा है, फॉर्म के अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाया, सही है, और उस क्योंकि पैराग्राफ मैंने इसलिए बनाया ताकि वो नए लाइन में स्टार्ट करें ना, यानी हर इनपुट को एक नए लाइन में स्टार्ट करें, जस्ट इसलिए पैराग्राफ बना, वरना यहाँ पे पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि पैराग्राफ नहीं लगाएंगे तो काम नहीं होगा, पैराग्राफ जस्ट इसलिए कि नए लाइन में स्टार्ट हो। अच्छा, यूज़र नेम यहाँ पे जो लिखा था मैंने वो एज इट इज़ लिखा हुआ आ रहा है इधर, ठीक हो गया, और साथ में फिर मैंने जो इनपुट बनाया था उस इनपुट से क्या आ रहा है मेरे पास, वो इनपुट यहाँ पे ये बना हुआ आ रहा है, ये वाला, सही हो गया। अच्छा, इस इनपुट में मैंने क्या दिया, टाइप टेक्स्ट, हमने ऊपर पढ़ा था कि टेक्स्ट के तीन तीन होते हैं, एक प्लेन टेक्स्ट, एक ईमेल इनपुट और एक पासवर्ड इनपुट। ठीक है, नेम इसका यूज़र नेम है, यानी कि सर्वर पे जब जाएगा ये तो इसकी वैल्यू सर्वर पे यूज़र नेम करके पहुंचेगी। साइज़ इसका 15 है, साइज़ का मतलब क्या है कि ये कितना बड़ा नज़र आए, 15 कैरेक्टर जितना ये नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सही है, तो ये 15 कैरेक्टर इसका मतलब है कि भाई 15 कैरेक्टर ये डिस्प्ले करे, इतना बड़ा नज़र आया। इसको अगर मैं 30 कर दूंगा तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और ठीक है मैं वापस 15 कर देता हूँ। मैक्स लेंथ क्या चीज़ है, अभी ये सब आगे बुक में बताता जाएगा। मैक्स लेंथ का मतलब होता है कि 30 अगर लिखा है मैंने मैक्स लेंथ, इसका मतलब है 30 कैरेक्टर के बाद उसको और मज़ीद टाइप ना करने दो, ठीक है, वहीं पर रुक जाएगा, फिर आप कुछ भी दबाएंगे काम नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर मैक्स लेंथ को अगर मैं 3 कर दूँ तो 3 के बाद मुझे ये क्या करने देगा, टाइप नहीं करने देगा, ये देखें 3 लिख दिया मैंने, अब उसके बाद मैं दबा रहा हूँ तो मुझे टाइप नहीं करने देगा। ठीक है, तो मैक्स लेंथ क्या है कि भाई मिसाल के तौर पर जो मैं चाहता हूँ कि नाम है ना बंदे का, यूज़र नेम है या ईमेल है, वो 30 कैरेक्टर से ज़्यादा का ना लिखे बंदा, उसके अंदर अंदर ही कर ले जो भी करना है, तो उसके लिए मैं ये लगा सकता हूँ मैक्स लेंथ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक पासवर्ड की फील्ड है, इसकी जो टाइप मैं क्या रखूँगा, इसकी टाइप चेंज होगी जो कि पासवर्ड होगी, और इसका जो नाम होगा वो भी पासवर्ड या कुछ ऐसा नाम रखूँ जो ज़ाहिर है यूज़र नेम से डिफरेंट हो, ताकि सर्वर पे जब जाए तो उसको पता चले कि ये दो अलग अलग चीज़ें, और जिस नाम से यहाँ भेजूंगा उसी नाम से मैं सर्वर पे इसको रिसीव करूँगा। अच्छा, साइज़ इसका भी 15 है और मैक्स लेंथ इसकी भी 30 है, ठीक है। अच्छा, टाइप पासवर्ड करने की वजह से अब मैं जब इस पर कुछ लिखूंगा ना तो मुझे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस के लिए हैं, ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, ऐसा नहीं है कि इस मैक्स लेंथ 30 कर दिया तो बस पत्थर की लकीर हो गई, इसको चेंज करना बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा किसी भी चलती हुई वेबसाइट में, ठीक है, ये पासवर्ड वाली फील्ड पे जाके राइट क्लिक करूँगा इंस्पेक्ट, देखो यहाँ लिखा हुआ है टाइप पासवर्ड, इसको मैंने हटा दिया तो ये दिख गया पासवर्ड, समझ रहे हो, ये सिर्फ यूज़र एक्सपीरियंस के लिए है। एक्चुअल में जो वैलिडेशन होगी वो तो सर्वर पे होगी, जब यहाँ से सबमिट करके सर्वर पे पहुँचेगा ना ये डेटा, तो वहाँ पे हम चेक करेंगे कि भाई लेंथ अगर ज़्यादा है तो वहीं से वापस भेजो कि नहीं भाई गलत आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये इस वजह से लगा रहे हैं ताकि यहीं पे यूज़र को समझ आ जाए कि भाई इससे ज़्यादा का उधर अलाउड नहीं है, तो ताकि वो यहीं पे उसको पता चलता रहे, वैलिडेट हो जाए यहीं पे उसका डेटा कि भाई ये डेटा इनवैलिड है, भेजोगे तो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यूज़र का इससे क्या होता है, टाइम सेव होता है। इमेजिन करें अगर ये सारी चीज़ें मैंने ना लगाई दी हूँ और यूज़र पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर दे, एक तो फॉर्म फिल करना भी एक अजाब होता है, वो फॉर्म फिल कर दे और सबमिट करते ही उसको सामने से मैसेज आए कि आपका यूज़र नेम का लेंथ ज़्यादा था, और वो फॉर्म तो पूरा खाली हो गया, अब वो नए सिरे से भरेगा। तो बेहतर ये है कि हम ये वैलिडेशन इस्तेमाल करें, ये HTML5 की वैलिडेशन अभी हम और भी पढ़ेंगे मजीद में। हाँ, अच्छा, सही।
तो ये मेरे पास आ गया जी। अब इन्होंने नेम क्या चीज़ है, साइज़ क्या चीज़ है, मैक्स लेंथ क्या चीज़ है, ये सब यहाँ पे बताया हुआ है, आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़िएगा बिल्कुल। अच्छा, टाइप पासवर्ड अप करेंगे तो इसने यही किया है, यहाँ पे नीचे पासवर्ड बना के पासवर्ड का इनपुट करके दिखा दिया है। अच्छा जी, टेक्स्ट एरिया हमें अगर चाहिए हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसका टैग अलग है। अच्छा, वैसे फॉर्म कंट्रोल्स जितने भी हैं ना सारे वो इनपुट के टैग से ही लगते हैं और उनका जस्ट ये टाइप चेंज हो रहा होता है, ठीक है, सारे इनपुट से लगते हैं, लेकिन कुछ एक दो ऐसे हैं जिनका अपना खुद का टैग है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया उनमें से एक है जिनका खुद का टैग है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई योर बायो, सही है, बायो लेके मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट एरिया जब मैंने लगाया तो नेम आ गया, इसमें नेम में भी बायो लिख देता हूँ कि भाई सर्वर पे भी ये बायो के नाम से ही भेजना चाह रहा हूँ मैं इसको। आईडी इसकी अगर मैं चाहूँ तो दे दूँ, आईडी की फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉलम्स और रोज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट एरिया के अंदर। कॉलम्स का मतलब ये है कि ज़ाहिर है टेक्स्ट एरिया मल्टीपल लाइन में डिस्प्ले होता है, तो कॉलम्स तो वही है जो हमारे पास था ना साइज़, कि भाई कितना ऐसा बड़ा दिखे, तो कॉलम वही सेम चीज़ है। तो इसमें 30 लगा हुआ है ना, तो अगर मैं इसको 15 कर दूंगा तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इसके बराबर ये होगा, जितना बड़ा ऊपर वाला है उतना बड़ा ही नीचे वाला भी होगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, पता नहीं एक ज़्यादा क्यों दे रहा है ये। वेल 15 मतलब समझ गए, अभी इसको मैं 30 करूँगा तो ये फिर डबल हो जाएगा, ठीक है, 30 डबल हो गया। तो ये कॉलम्स हो गए जो साइज़ के इक्वल है एक्चुअली। अच्छा, रोज़ के बाद क्या है कि वो हाइट में कितना हो। इनपुट ये जो होता है टेक्स्ट इनपुट, ये तो एक ही लाइन का होता है, बट ये मल्टीपल लाइन का हो सकता है। मैंने कहा 10 लाइन वाला मुझे चाहिए, तो इसकी हाइट आप देखें 10 लाइन जितनी आई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, सही है, तो पूरी 10 लाइनें आई हैं हाइट में। तो इसको भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मैंने कहा नहीं यार मुझे सिर्फ 3 लाइन चाहिए इसमें, सही है, तो ये 3 लाइन का हो जाएगा खुद ही। तो मैंने एक फॉर्म बना दिया जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड और साथ में बायो भी हमने उसमें ऐड किया हुआ है। हाँ, मैक्स लेंथ, हाँ देख सकते हैं मैक्स लेंथ लगा के, हाँ है, आ रहा है मैक्स लेंथ, मैंने 3 किया तो अब देखते हैं। हाँ, रोक दिया इसने 3 में, सही है। तो मैक्स लेंथ मैं इसमें कर देता हूँ कि 300, कि 300 कैरेक्टर्स का आपका बायो हो सकता है, ठीक है जी। तो टेक्स्ट एरिया हमारा ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, रेडियो बटन जो है हमारा, वो भी मैं उठा के ले आता हूँ इधर। सही है, मैंने एक अदद पैराग्राफ और बनाया और उस पैराग्राफ में क्या लिखा, प्लीज सेलेक्ट योर फेवरेट जॉनर, सही है। उसके बाद एक लगाया बीआर, और फिर मैंने लगाया एक अदद इनपुट। इनपुट की टाइप इस बार मैंने क्या रखी है, रेडियो रखी है, ठीक है। तो रेडियो का मतलब है कि रेडियो बटन की बात हो रही है, ये सही है। अच्छा, ये जो इनपुट रेडियो है इससे क्या बना हुआ जाएगा, वो गोल से एक सर्कल बना हुआ जाएगा। अच्छा, उसके आगे जो बात लिखी हुई है ना रॉक, वो यहाँ पे एज इट इज लिखी हुई है, वो यहाँ पे नजर आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद इनपुट पॉप, उसके बाद पॉप जैज, उसके बाद जैज। तो एक्चुअल में होगा क्या, ये कुछ इस तरह से होगा, ऐसे एक लाइन लिखी हुई आएगी ऊपर, नीचे एक गोल्ड डॉट होगा, उसके आगे रॉक लिखा हुआ होगा, सही है। फिर उसी के आगे एक और गोल्ड डॉट होगा, उसके आगे दूसरा लिखा हुआ होगा, तीसरा, ठीक है। तो इस तरह देखिए हो गया ये, अगर मैं ये बी आर नहीं लगाऊंगा तो वो सेम ही लाइन में हो जाएगा पूरा। क्या चीज, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि देखो ये 3 अलग अलग इनपुट है, सही है। अभी इमेजिन करो कि एक मेरे पास और होता है ऐसा इनपुट बॉक्स के सेलेक्ट योर जेंडर मिसाल के तौर पर, तो इसको कैसे पता चलता है कि ये तीनों एक का पार्ट है और ये तीनों दूसरे का पार्ट है। ये असल में नेम से अंदाज़ा लगाता है, तो इन तीनों का मैं क्या करूँगा, नेम जेंडर लगा दूँगा, सही है। मैंने कहा भाई जेंडर लगा दूँगा, सही है। तो अब इसको पता चलेगा ये तीनों अलग है और ये तीनों अलग है, और जाहिर है क्योंकि इनमें से एक ही सेलेक्ट होगा एक्चुअली, तो जॉनरे के अगेंस्ट जो भी सेलेक्टेड होगा उसकी वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, रॉक पॉप जैज मिसाल, हाँ चेक अभी आते हैं ना इसके ऊपर। देखो
बाई डिफॉल्ट एक पे चेक लगा हुआ है इसलिए लिखा हुआ है ये चेक। देखो अब मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूँ, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि मैं इन तीनों का नाम भी क्या कर दूँ, सेम कर दूँ, जॉनरे कर दूँ मिसाल के तौर पर, तो क्या होगा, इसको लगेगा कि ये नौ में से एक सेलेक्ट करना है कोई, ये देख रहे हो। तो ये नेम से डिफरेंशिएट करता है कि ये एक अलग क्वेश्चन है और वो एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा सेलेक्टेड से ये होगा कि वो चेक लिखा हुआ आ जाएगा, मिसाल के तौर पर मैं इससे कट करूँ इसको और दरमियान वाले पे लगा दूँ, तो उससे क्या होगा, जब ये फॉर्म लोड होगा ना तो दरमियान वाले पे चेक पहले से लगा हुआ होगा, इसका ये मतलब है, ठीक हो गया। तो हमें क्या देना है, इनपुट का टाइप रेडियो, नेम देना है, नेम जितने भी ऑप्शंस होंगे तमाम ऑप्शंस में नेम सेम होगा, जब भी उसको पता चलेगा ये एक ही क्वेश्चन का पार्ट है, और तीनों की वैल्यू अलग अलग होगी कि इसके सेलेक्ट करने पे सर्वर पे क्या वैल्यू है। जी सर, अगर ये कैरेक्टर का एट्रीब्यूट ना लगाए तो शो नहीं होगा कोई सा भी बटन ऑलरेडी पिन हो। कौन सा कैरेक्टर का एट्रीब्यूट, सेकंड लाइन में वो ऑलरेडी चेक नहीं, अगर चेक में हटा दूं तो कोई सा भी चेक नहीं होगा, कोई सा भी नहीं होगा सेलेक्टेड, ये लो तीनों खाली हैं, सही है। लेकिन देखो अभी केस टू केस वेरी करता है कि सम टाइम हम कोई एक सेलेक्टेड रखते हैं पहले से, सम टाइम हम कोई सा भी सेलेक्टेड नहीं रखते। अब जैसे अब मेरे पास एक फॉर्म है मेल फीमेल का सिलेक्शन है उसको, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मेल को मैं सेलेक्टेड कर दूँ या मैं फीमेल को सेलेक्टेड हूँ। अब मैं ये कैसे डिसाइड करूँगा कि मुझे कौन से वाले को सेलेक्टेड रखना बेहतर है मेरे लिए। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मेल ज़्यादा आते हैं तो अगर वहाँ के फॉर्म में अगर मैं मेल को सेलेक्टेड रख दूँ तो शायद बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि ज़्यादा मेल आते हैं मुझे पता है मेल होगा ज़्यादा उसमें। या अगर कोई ब्यूटी पार्लर टाइप की वेबसाइट है बुकिंग हो रही है उसकी, तो वहाँ ज़्यादातर फीमेल्स आती हैं, अगर ये आती ही फीमेल है सिर्फ, मेल शायद कभी सालों में कोई एक आता है, तो वो शायद फीमेल को सेलेक्टेड रखें, समझ लो। तो ये केस टू केस वेरी करेगा कि आपके केस में कौन सा वाला आपको सेलेक्ट करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, और जहाँ पे रेशो शायद बराबर है। अब ये मैं एक फैक्टर बता रहा हूँ, इस तरह के कई और फैक्टर भी हो सकते हैं, तो जहाँ पे रेशो बराबर है वहाँ पे आप दोनों खाली भी छोड़ सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमने एक इनपुट देख लिया रेडियो बटन। अच्छा उसी के साथ हमारे पास एक चेक बॉक्स है, तो मैं चेक बॉक्स भी लगा देता हूँ इधर। एक और पैराग्राफ इन्होंने सेलेक्ट किया और इस पैराग्राफ के बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, सही है, इन्होंने लिखा है कि भाई प्लीज सेलेक्ट योर फेवरेट म्यूजिक सर्विस। अच्छा टाइप चेकबॉक्स है, इसमें भी नाम के जरिए पहचानता है, तो तीनों ऑप्शंस में नेम इसमें सिमिलर है, वैल्यूज ऑन अदर हैंड अलग अलग हैं, सही है। अच्छा अब आप नोट कीजिएगा इसमें एक चीज के हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना वो लास्ट डॉट एफ एम दिख रहा है, लेकिन वैल्यू में असल में क्या लिखा हुआ है, लास्ट एफ एम मिला के लिखा हुआ है और स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो हमारे पास सर्वर पे ना वैल्यू में जो बात लिखी हुई थी वो पहुंचती है, ये वाली बात सर्वर पे नहीं पहुंचती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लंबा करके भी कुछ लिख दूँ तो वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले की हद तक है। या मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं इस पर वैल्यू वन कर दूँ, इस पर टू कर दूँ, इस पर थ्री कर दूँ, तो ये मुझे सर्वर पे ना वैल्यू वन टू थ्री मिलेगी। अगर पहला वाला सेलेक्टेड होगा ना आईट्यून्स तो सर्वर पे मुझे वन मिलेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि सम टाइम हमें कोई वैल्यूज़ ना डेटाबेस में मतलब डेटाबेस को शॉर्ट रखने के लिए, जैसे चार ऑप्शन है तो मैं उसको वन टू थ्री करके भी सेव करवा देता हूँ। इसको इसका एक नाम यूज़ करते हैं, इनम्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये इनम बड़ा पढ़ाते हैं, तो वो वहाँ पे तो पता नहीं आपने यूज़ किया हो या नहीं, लेकिन इस तरह यहाँ पे करते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे फ्रंट एंड पे मुझे पता है कि वन का मतलब क्या है, टू का मतलब क्या है, थ्री का मतलब क्या है, ये मुझे पता है, ठीक है। सर्वर में जब जाता है वो तो सर्वर पे भी प्री डिफाइंड एक हम बना देते हैं कि अच्छा यार वन का मतलब ये, टू का मतलब, थ्री का मतलब ये, ठीक है। लेकिन डेटाबेस में क्या होता है, जो नंबर होता है ना वो काफ़ी कम जगह ले रहा होता है निस्बत स्ट्रिंग के, यानी कि अगर टेक्स्ट में सेव कराऊं मैं ना कि भाई आई ट्यून्स पूरा लिखूं या सिर्फ वन लिखूं, तो वन जो है वो निस्बतन बहुत कम जगह लेगा,
ठीक है, टेक्स्ट की नस्बत। अब वो कैसे कम लेगा वो इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट में हम जब ये बात डिस्कस करेंगे ना कि कंप्यूटर में ये डेटा सेव कैसे होता है, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी हम जैसे टेक्स्ट लिखते हैं कंट्रोल एस दबा देते हैं तो कैसे सेव होता है जाके, ये चीज़ हम जावास्क्रिप्ट के शुरू में डिस्कस करेंगे, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि नंबर कम क्यों लेता है और टेक्स्ट ज़्यादा क्यों लेता है, ठीक है। और ये क्लासिक कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, जो मतलब क्लासिक कंप्यूटर का मतलब है कि जो हमारे यहाँ राइज है, ठीक है। इससे पहले भी एक कंप्यूटर हुआ करते थे और इसके बाद भी एक कंप्यूटर है, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, अभी हम उस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं जो आप सबकी जेबों में पड़ा हुआ है मोबाइल फ़ोन की सूरत में और आप सबके डेस्क पे रखा हुआ है लैपटॉप की सूरत में, ठीक है, ये उस कंप्यूटर की बात है। अच्छा, इसके आगे जो है वो अब ज़ाहिर है क्वांटम कंप्यूटर है, उसमें ये सारे रूल्स चेंज होने वाले हैं, मतलब होने के वाले हैं, मतलब हो गए, लेकिन वेल क्वांटम कंप्यूटर को अभी आपके टेबल तक पहुँचते पहुँचते शायद 20 साल लगे, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा उसको अभी तक। तो तो हमने ये देखा कि वैल्यू में ना जो बात होती है सर्वर पे वो जाती है, जो लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे वो ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू सर्वर पे वही सेम जाए। अच्छा, इसका कुछ डिस्प्ले इस तरह से आ रहा है, ठीक है, चेक बॉक्स में आपको पता है एक से ज़्यादा चेक भी लगाया जा सकता है, तो चेक बॉक्स हमने देख लिया, अब आगे चलते हैं हम और। अच्छा, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी उन फॉर्म कंट्रोल्स में से है जिनका अपना टैग है खुद का, तो हमने ये उठाया और हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ और बना के ये सारे ऑप्शंस रखवा दिए यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा कि व्हाट डिवाइस डू यू लिसन टू म्यूज़िक, तो हमने एक सेलेक्ट का एट्रीब्यूट लगाया, नेम इसमें एक है सेलेक्ट, ठीक है, और अंदर ऑप्शंस हैं तीन और तीनों की वैल्यूज़ हैं, जो भी ऑप्शन सेलेक्टेड होगा नेम के अगेंस्ट उसकी वैल्यू सर्वर पे जाएगी सबमिट होने की सूरत में, ठीक है। तो मेरे ख्याल इसमें भी कोई बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन बना हुआ आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन जो है ना, ड्रॉप डाउन और चेक बॉक्स और ये सारी चीज़ें ना, देखो इसमें ना थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखेगा, विंडोज़ में थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम की ना एक अपनी स्टाइलिंग होती है, तो इस पर अगर मैंने कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी स्टाइलिंग इस पर लगी हुई होती है ना, तो मतलब उसके हिसाब से ये दिख रहा होता है। ये चेकबॉक्स जैसा आपको यहाँ दिख रहा है ना, आपको विंडोज़ में ऐसा शायद ना दिखे, विंडोज़ में आपको बिल्कुल स्क्वायर दिखता है, यहाँ पे थोड़े कॉर्नर्स के कर्व हुए हैं, ये वाला आपको आइटम ना शायद इस तरह का ना दिखे, थोड़ा सा ये 3D में होता है शायद विंडोज़ के अंदर ना, जहाँ तक मुझे याद है ये थोड़ा 3D में दिखता है, तो स्टाइल जैसा आपको यहाँ दिख रहा है ये बग़ैर CSS के ऐसा इस वजह से दिख रहा है क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बिल्ट इन कुछ चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से दिख रहा है, और विंडोज़ का एक अपना बिल्ट इन स्टाइल है, अगर कोई स्टाइल नहीं लगा होता तो उसमें वैसा दिखता है। वेल, अब मगर मुझे अगर चाहिए हो ना कि सारे प्लेटफॉर्म पे एक जैसा दिखे, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसी स्टाइलिंग अप्लाई कर दूँगा जो बिल्ट इन स्टाइल को ओवरराइड कर देगी। मिसाल के तौर पे इसका जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू दिख रहा है, ठीक है, तो मैं कलर इसका चेंज भी कर सकता हूँ, मैं चेंज करके कोई दूसरा कलर कर दूँगा तो फिर वो सारे प्लेटफॉर्म पे वही कलर दिखाएगा। अच्छा जी, तो हमारे पास ये आ गया भाई ड्रॉप डाउन। अच्छा, ड्रॉप डाउन के अंदर एक हमारे पास होता है मल्टीपल सेलेक्ट। मल्टीपल सेलेक्ट में ना मेरे पास क्या होता है, एक एट्रीब्यूट का जस्ट मैं इजाफा करता हूँ और क्या हो जाता है उसके बाद, वो मल्टी सेलेक्ट बन जाता है, ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ मल्टी सेलेक्ट, ठीक है। मल्टी सेलेक्ट बोलते ही देखो क्या हुआ, ये ड्रॉप डाउन से ना एक ऐसा असल में स्क्रॉलेबल अभी ये होगा, अगर मैं इसमें ज़्यादा ऑप्शन डालूँ ना फिर होगा, थोड़े ज़्यादा ऑप्शन डालूँगा ना तो देखो ये स्क्रॉलेबल बन जाता है ना, एक्चुअली बजाय इसके ड्रॉप डाउन के ये स्क्रॉलेबल बन जाता है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, 2, 3, 4 को सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कैसे सेलेक्ट करेंगे आप, कंट्रोल पकड़ के करना पड़ता है, ठीक है, कंट्रोल को आप पकड़ेंगे और 2, 3, 4 जितने सेलेक्ट करने हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो ड्रॉप डाउन है हमारा वो क्योंकि जगह को सेव करता है, स्पेस सेवर है ये एक्चुअली, तो जो सेम सिचुएशन रेडियो बटन में हो रही है हमारे पास, वही सेम सिचुएशन चेकबॉक्स में भी तो हो सकती है ना, कि भाई चेकबॉक्स में अभी तो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, तीनों पे मैंने चेक लगा दिया, ठीक है, मिसाल के तौर पे 200 ऑप्शंस हो अगर, और उसमें से मुझे 3 या 4 या 5
या 50 सेलेक्ट करने हो, तो उसके उस पॉइंट पे आके मुझे ये मल्टी सेलेक्ट जो ड्रॉप डाउन है ना, ये मुझे हेल्प आउट करता है। अदरवाइज़ अगर मैं चेक बॉक्स बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे दिखा दूँ, मतलब इमेजिन करें 200 चेक बॉक्सेस हैं, तो वो बहुत मैस हो जाएगा। तो उसको सेव करने के लिए ना ये आ जाता है मेरे पास। ठीक है जी, तो ये सेट हो गया। यहाँ से मैं मल्टीपल को हटा देता हूँ। ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ है कोड, आपके सेम कोड है यही वाला, उसका रिस्पांस कुछ इस तरह का दिख रहा है। अच्छा, मेरे पास इन इस बुक में भी जो आउटपुट दिखाया ना इसने, वो मैक का आउटपुट दिखाया है इसने, तो मेरे पास भी मैक है, तो मेरे पास एग्जैक्टली ऐसा दिख रहा है। विंडोज़ पे इसका अपेरेंस थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन चीज़ यही होगी वो भी। ठीक है, और कंट्रोल का बटन होल्ड करके आप क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट होगा जी। हॉरिजॉन्टली बड़ा, तो जब इसके अंदर लिखी गई वैल्यूज़ जब बड़ी होंगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे इसके अंदर जो लिखी हुई वैल्यू है, जैसे आईपॉड है ना, ये वाला आईपॉड के आगे मैं कुछ मज़ीद इतना लंबा टैक्स लगा दूँगा अगर, तो ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। ये देखो बड़ा हो गया ना, नहीं हुआ, एक मिनट, तो मैं दिख नहीं रहा होगा वहाँ से शायद। मैं ज़रा VR लगा दूँ ना, ताकि इसको ऊपर तक स्क्रॉल कर सकूँ। ये ड्रॉप डाउन देखो अब ऐसा बन गया, सही है, ऐसे बड़ा कर हो गया ना, यही कह रहे थे ना तुम। तो सेकंड ऑप्शन जैसे कम टैक्स किया तो उसको सेलेक्ट करेंगे तो दोबारा छोटा, नहीं छोटा नहीं होगा दोबारा। अभी हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये वेरी करे, हो सकता है। मैं अगर लास्ट वाला ऑप्शन सबसे इसमें बड़ा दे देता हूँ तो फिर हाँ, ये बड़ा ही डिस्प्ले हो रहा है, बड़ा ही डिस्प्ले हो रहा है। वेल स्टिल आप इसका साइज़ वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, सही है, CSS के ज़रिए तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। यहाँ पे साइज़ का एक ऑप्शन भी आ रहा है भाई, इधर मैंने कहा साइज़ 30। अच्छा, ये वर्टिकल साइज़ की बात हो रही है एक्चुअली। वेल जी, सर्च का क्या ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन में? अच्छा, वो HTML का बिल्ट इन नहीं है, वो कस्टम बनाना पड़ता है, सही है। अच्छा, वो ड्रॉप डाउन नहीं होता, वो असल में क्या होता है कि आपका ना सर्च बॉक्स होता है और उसमें नीचे सजेशंस आ रही होती हैं, वो ये होता है। ठीक है, वो दिखने में आपको शायद लगा होगा वो ड्रॉप डाउन है, लेकिन एक्चुअली में वो ड्रॉप डाउन नहीं होता है। अच्छा, ड्रॉप डाउन में आपके पास ना एक बिल्ट इन फैसिलिटी होती है कि अगर आपने ये खोला है ना, और अगर लंबा ड्रॉप डाउन है, तो आप डायरेक्ट अगर जैसे R लिखा हुआ है, आप R पे डायरेक्ट जाना चाह रहे हैं, तो आप R का बटन प्रेस करेंगे वो R पे चला जाएगा, सही है। जैसे आप अगर कंट्री सेलेक्ट करते हैं ना, तो बहुत सारी कंट्री है, तो P दबाते हैं तो डायरेक्ट P वाले पे चला जाता है, P फिर जितने होते हैं ना उस पे, वो P दबाते जाएंगे वो P वाले पे जाता जाएगा जितने भी उसमें हैं ऑप्शन। तो ये इसके अंदर होता है बिल्ट इन ऑप्शन, लेकिन सर्च का लिख के सर्च करने वाला सिस्टम वो एक अलग चीज़ है। उसमें वो एक्चुअली ये होता है कि इस तरह का एक बॉक्स होता है, आप उसमें जैसे जैसे लिखते जाते हैं ना, ये देखो नीचे जो है ना, ये नीचे सजेशन आती जा रही है। ठीक है, तो जैसे मैं वेल, तो वो लेकिन हमें बनाना पड़ता है, वो पहले से इसके अंदर बिल्ट इन कंपोनेंट वैसा कोई भी नहीं है। अच्छा जी, सेलेक्ट बॉक्स हमने देख लिया, और अब उसके बाद हमारे पास है फाइल इनपुट। फाइल इनपुट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें फ्रंट एंड से सिर्फ टेक्स्ट डेटा नहीं भेजना होता, मतलब वो चाहे ईमेल हो चाहे पासवर्ड हो, एक्चुअली सारा टेक्स्ट डेटा है अभी तक जो हमने हैंडल किया है। आपको समटाइम बाइनरी फाइल्स भी भेजनी पड़ सकती हैं। ठीक है, बाइनरी फाइल हम किस चीज़ को कहते हैं? ये फ़ोटोज़, वीडियो, ऑडियो, एग्जी फाइल, किसी भी किस्म की जो फाइल होती है, चाहे ज़िप फाइल हो गई या RAR फाइल हो गई, कोई आपका जो PDF फाइल हो गई, जो भी फाइल्स होती हैं जो आप ब्लूटूथ के ज़रिए या ज़िपिया के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे को, उस फाइल को हम बाइनरी फाइल्स कहते हैं इन जनरल। ठीक है, अभी जैसे आप बोलेंगे ना PDF, तो PDF का मतलब है ख़ास तरह की फ़ाइल, तो इनको इन जनरल हम कहते हैं बाइनरी फाइल्स। ठीक है, बाइनरी फाइल्स जब आप इंटरनेट के आप लोग डेली यूज़र हैं, जब आप कहीं से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, क्लिक करते हैं, वो पुक करके डाउनलोड होता है, और यहाँ इस जगह पे साइड पे डाउनलोडिंग लिखा हुआ आ जाता है, घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो एक्चुअली बाइनरी फाइल होती है। जब आप कहीं से कोई मूवी डाउनलोड करते हैं और वो डाउनलोड होने के बाद वो नीचे लिखा हुआ आता है कि भाई अभी इतने स्पीड से डाउनलोड हो रहा है,
तो वो एक बाइनरी फाइल होती है। तो जितनी भी बाइनरी फाइल्स हैं वो मुझे फ्रंट एंड से भेजनी पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे कहीं पे अगर मैं साइनअप कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे अपनी फ़ोटो भेजनी पड़ सकती है साइनअप के फॉर्म के साथ, या कोई PDF रिज्यूमे अपना भेजना पड़ सकता है अगर कोई जॉब एप्लीकेशन फिल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरह की कई फाइल्स हो सकती हैं जो मुझे भेजनी पड़ सकती हैं, या मे बी मैं कहीं पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ तो मुझे स्कैन डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ मैं, तो मुझे कई सारे स्कैन डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करने पड़ सकते हैं उस फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट का जो है ना, फाइल इनपुट का जो फॉर्म कंट्रोल है ये इस्तेमाल होता है फाइल इनपुट के लिए। अच्छा, तो मैं एक फाइल इनपुट भी अपने पास लगा लेता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने कि एक पैराग्राफ बनाया, अपलोड योर सॉन्ग इन MP3 फॉर्मेट, और एक इनपुट बना दिया है, और उसके बाद एक लाइन ब्रेक है, और लास्ट में सबमिट का बटन बना दिया इन्होंने कि भाई सबमिट का बटन भी तो चाहिए होता है हमें। तो सबमिट का बटन भी एक इनपुट है और इसका टाइप सबमिट है, सही है, और वैल्यू अपलोड है। वैल्यू में जो भी बात होगी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, इनपुट जब हम करते हैं ना सबमिट, तो वो एक बटन जैसा दिखना शुरू हो जाता है और उसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो उस बटन पे लिखी हुई आ जाती है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है ये, ठीक है। अच्छा, और जो हमारे पास इनपुट में टाइप फाइल है उसमें कुछ इस तरह से मेरे पास आ रहा होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ होगा नो फाइल चूजन, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल सेलेक्शन है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, जब आप लिनक्स पे होंगे तो लिनक्स का खुलेगा एक्सप्लोरर, या आप अगर विंडोज़ पे होंगे तो विंडोज़ का एक्सप्लोरर खुलेगा, ठीक है। तो जो भी आपके पास फ्रंट एंड पे एक्सप्लोरर होगा फाइल का वो ओपन हो जाएगा। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर वेबसाइट आपने खोली हुई है तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके एंड्रॉयड का जो फाइल एक्सप्लोरर होता है वो आपका खुल जाएगा। तो ये ब्राउज़र आपका ऑटोमेटिकली कर रहा होता है कि उसके क्लिक पे आपके सिस्टम का फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर रहा होता है। जी नहीं नहीं फॉर्म के टैग के अंदर लिख रहा हूँ भाई मैं, ये रहा ना फॉर्म का टैग ओपन हुआ है और ये फॉर्म का टैग यहाँ नीचे क्लोज हुआ है। हाँ हाँ, वो जावास्क्रिप्ट से भी होता है और सर्वर पे भी होता है, दोनों जगह से होता है। वो एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम अभी फाइल को देखो मैं चूज़ करूँगा ना, यहाँ से मैंने ये JPG फाइल एक चूज़ कर ली, ठीक है, और ये लिखा हुआ आ गया कि फ़ाइल चूज़ हो गई है। तो मुझे जावास्क्रिप्ट में ना ये पूरी फाइल मिल जाती है, तो मैं इसका साइज़ चेक कर लेता हूँ। तो ये HTML से, सिर्फ HTML से ये काम नहीं हो सकता, वो HTML से होता है। अभी वो आगे आएगा कि माइम, उसको माइम टाइप करते हैं। अच्छा, तो ये फाइल इनपुट हो गया, और इसमें इन्होंने वो बात नहीं बताई जो तुम पूछ रहे हो ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली, जब इस पर सेलेक्ट करूँ मैं तो इमेजेस आए सिर्फ, बाकी चीज़ें सब ना सेलेक्ट हो पाए। अभी इस पर PDF भी सेलेक्ट हो जा रहा है, सब कुछ सेलेक्ट हो जा रहा है। तो ये वाला काम कैसे होगा, कहाँ बताया मैं इमेजेस में, नहीं इमेज बटन तो कुछ और है ना, ये इमेज बटन कुछ और है। ये इमेज बटन ये है कि अगर आप ना बटन नहीं बनाना चाह रहे, आप चाह रहे एक मिसाल के तौर पर फ्लावर शॉप है आपकी, आप चाह रहे हैं गेंदे का फूल बना हो और उस पर लिखा हुआ सबमिट, या उसके साथ पड़ोस में लिखा हुआ, आप गेंदे का फूल प्रेस करें, समझ रहे हो, सबमिट का बटन नहीं प्रेस करें, तो वो इमेज बटन वो चीज़ है। ये हम अलग से देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा ये हमारा ना, तो मैं W3 स्कूल पे जाऊंगा और फाइल इनपुट एट्रीब्यूट होता है, मैं भूल रहा हूँ वो एट्रीब्यूट क्या होता है। इसमें भी नहीं बताया उन्होंने यार, MDN पे चलते हैं, वहाँ बताया होगा।
एक्सेप्ट करके होता है, इसमें एक एट्रीब्यूट, और एक्सेप्ट के अंदर आप क्या लगा सकते हैं, हाँ ऐसे करके ना आप कॉमा सेपरेटेड सारे एक्सटेंशन लगा दें कि भाई ये एक्सटेंशन अलाउड है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा फाइल इनपुट पे आके एक्सेप्ट, और मैं कहूँगा कि डॉट JPG मिसाल के तौर पर। तो अब क्या होगा कि ये डॉट JPG के अलावा किसी को भी सेलेक्ट नहीं करने देगा, ठीक है। देखो डॉट JPG जो था ना वो सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन इसके नीचे वाला क्लिक कर रहा हूँ मैं नहीं सेलेक्ट हो पा रहा, क्योंकि वो हाँ PNG भी चाहिए अब आपको, तो आप क्या करेंगे कॉमा करके PNG भी लगा देंगे, डॉट PNG भी लगा देंगे, सही है। ओ अब देखो PNG भी आ गया, लेकिन अब आपको XD भी चाहिए या PDF भी चाहिए या इमेज के और भी फॉर्मेट होते हैं GIF वगैरह, वो भी आपको चाहिए अगर, अब क्या करेंगे। तो इसका एक हल ये है कि हम इसमें माइम टाइप बता देते हैं, सही है, हम इसमें क्या बता देते हैं, माइम टाइप बता देते हैं। ओके अब ये माइम टाइप की एक लिस्ट होती है, वो कहाँ है भाई, हाँ ये रहा। माइम टाइप ना इस तरह बता सकते हैं आप कि भाई इमेज की जितनी भी है ना स्टेरिक कर दो आप, सही है, इमेज स्लैश स्टेरिक। अब देखो जितनी भी तरह की इमेज होगी ना जिफ वगैरह सब आ जाएगी इसके अंदर, इमेज स्लैश स्टेरिक, इसको माइम टाइप कहते हैं। और यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश करूँगा इसको, चूज़ फाइल का बटन दबाऊँगा, तो देखो JPG भी आ रही है, PNG भी आ रही है, और नीचे अगर कोई और फॉर्मेट हुआ मेरे पास अगर तो वो भी आएगा, PDF नहीं आ रहा ऑन अदर हैंड, ठीक है, CSV भी नहीं आ रहा, ये CSV वगैरह MOV करके है, ये सब नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये सीन है भाई इसके। तो हमने क्या देखा कि भाई माइम टाइप का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अगर आप अब मिसाल के तौर पे इमेज का कोई नया फॉर्मेट आ गया वो आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो आप अगर ये वाला लगाएंगे ना, अच्छा देखो एक तो मोस्ट कॉमन ये है ना आपका ऑडियो वीडियो और इमेज है, ये तो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब ये इसी तरह डॉक्यूमेंट का भी होगा माइम टाइप, अभी ये मैं लिखूँगा ना गूगल पे माइम टाइप की पूरी लिस्ट अगर मुझे चाहिए हो, यहाँ पे कहीं इन्होंने लिंक नहीं दिया हुआ माइम टाइप्स का, यहाँ पे कुछ मज़ीद इसने बताया, इसने बताया भाई इमेज स्लैश PNG, अच्छा क्योंकि PNG के भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये PNG अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा इमेज स्लैश JPEG, तो JPEG में क्या होगा, JPEG के तीन वेरिएंट है ना, जो ये JPG और JPEG और एक और तीसरा वेरिएंट भी होता है इसका कोई, वो तीनों एक्सेप्ट हो जाएगा, सही है। अच्छा ये डॉक्यूमेंट को इन्होंने इस तरह से किया हुआ, नहीं लेकिन अभी माइम टाइप में देखूंगा ना उसमें शायद डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ हो अलग से, मतलब जैसे इमेज स्लैश स्टेरिक है तो इसी तरह DOC स्लैश स्टेरिक भी तो हो सकता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इसको माइम टाइप लिस्ट, ये आ गया भाई माइम टाइप की लिस्ट आ गई, सही है। ये सारी माइम टाइप्स हैं जो आप जाहिर है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा एक इसमें टेक्स्ट भी आ रहा है, टेक्स्ट स्लैश CSS, टेक्स्ट स्लैश CSV, तो अगर आप सिर्फ टेक्स्ट रखेंगे और स्लैश स्टेरिक कर देंगे तो इसका मतलब है ये और ये दोनों उसमें आ रहा होगा। अच्छा फिर MS Word जो है ना वो एप्लीकेशन स्लैश MS Word है, तो एप्लीकेशन स्लैश स्टेरिक करेंगे आप तो ये वाला ये वाला ये वाला ये सब आ जाएगा उसमें, एप्लीकेशन से जितना जितना स्टार्ट हो रहा है ना, मगर उसमें zip भी आ जा रहा है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहे zip फाइल भी आ रही है। तो वेल ये माइम टाइप है, अभी आपको पता चल गया तो आप इसको देख के ना जो जो आपकी सिलेक्शन है, अब इसमें मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने जितनी दुनिया की टाइप्स है ना फाइल टाइप्स, देखो ऑडियो स्लैश MPG, ऑडियो वीडियो स्लैश ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ऑडियो के अंदर कौन कौन से फॉर्मेट हैं, OGA, OGG, सही है, OPUS, ओपस ऑडियो, मैंने तो कभी नाम नहीं सुना इसका, लेकिन मैं क्या करूँगा ऑडियो स्लैश स्टेरिक करूँगा तो ये भी आ जाएगा। लेकिन सम टाइम मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे सर्वर पे दो या तीन फॉर्मेट ही चाहिए होते हैं,
मैं बोलूँ भाई मुझे MP3 ही चाहिए हर हाल में, कोई और फॉर्मेट नहीं लेता मैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो फिर मैं यहाँ पे MP3 लगाऊंगा। स्टिल मैं अगेन ये बता दूँ कि ये सारा यूज़र एक्सपीरियंस के लिए है, ये जो भी हम लगा रहे हैं ना लिमिटेशंस चली गई, ये हमने जो भी ये सारी कहानी की है ना अभी तक फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर, जितने भी तरह की चीज़ें हमने पढ़ी हैं, चाहे वो मैक्स लेंथ हो, चाहे वो साइज़ हो, चाहे वो एक्सेप्ट का एट्रीब्यूट हो, सही है, ये सब यूज़र एक्सपीरियंस के लिए है, ये कोई भी इसमें से सिक्योरिटी के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे फाइल साइज़ की अगर हम बात करें, तो फाइल साइज़ हम जब सर्वर पर पहुँचेगा तो दोबारा चेक करेंगे, फाइल का फॉर्मेट जब सर्वर पर पहुँचेगा तो वहाँ दोबारा, वो सिक्योरिटी के लिए होगा, सही है। तो ये सारा कुछ क्या है, यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, कि वो सेलेक्ट का बटन दबाते ही ना उसको दिख जाए कि अच्छा सिर्फ इमेजेस ही सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। अगर मिसाल के तौर पे देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया होगा, इसको मैंने रिफ्रेश किया, अपलोड का बटन, अभी मैंने इमेज स्लैश स्टेरिक किया हुआ है ना, यहाँ पे मैं करूँगा शो ऑप्शन और मैं करूँगा ऑल फाइल, ये लो मैंने MOV भी सेलेक्ट कर लिया, सही है, तो ये सेलेक्ट हो गया, क्योंकि ये सिर्फ यूज़र एक्सपीरियंस के लिए था, ये सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ से नहीं होगा तो मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से इंस्पेक्ट का बटन दबाऊँगा और इधर जाके ये एक्सेप्ट है ना जो, इसको चेंज कर दूँगा, हटा दूँगा एक्सेप्ट को, बस ये लो हट गया, सही है। तो ये सिर्फ यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, ये सिक्योरिटी के लिए नहीं है। अच्छा जी, सबमिट का जो बटन है ना वो मैं एक तरीके से और भी लगा सकता हूँ, एक तो ये तरीका है, उसके अलावा मैं बटन का एक टैग भी है इसका, ठीक है, बटन के टैग से भी लगा सकता हूँ, और मैं बोलूँगा इसमें कि अपलोड, बटन की टाइप में सबमिट करूँगा ऑब्वियसली। तो अब ये जो दोनों टैग लिखे हुए हैं ना, ये ऊपर वाला टैग और ये नीचे वाला टैग, ये सिमिलर है, सही है, ये सिमिलर है। तो हमने ये फॉर्म कंट्रोल तकरीबन सारे पढ़ लिए हैं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन अभी और बचा हुआ तो नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो वो पूछ सकता है। अच्छा ये जो इमेज बटन इसने किया हुआ है ना, ये कह रहा है आप क्या करोगे, इनपुट की टाइप आप करोगे इमेज और SRC लगा के ना उसमें आप ऐसे SRC लगा दो, दैट्स इट, ठीक हो गया, और ये ऐसे बना हुआ नज़र आ जाएगा यहाँ। अच्छा अब यहाँ पे ना इस केस में ये एक हिडन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, हमारे पास ना आप नोट करें यहाँ पे एक इनपुट है जिसकी टाइप हिडन है, ठीक है, इनपुट की टाइप क्या है, हिडन है यहाँ पे। अब ये हिडन के बारे में क्या कह रहा है, दिस एग्जांपल शो अ हिडन फॉर्म कंट्रोल, दिस कंट्रोल आर नॉट शोन ऑन द पेज बट यू कैन सी देम वाया व्यू सोर्स, दे अलाउ वेब ऑथर्स टू ऐड वैल्यू टू फॉर्म्स दैट यूज़र कैन नॉट सी, फॉर एग्जांपल वेब पेज ऑथर माइट यूज अ हिडन फील्ड टू इंडिकेट विच पेज यूज़र वॉज ऑन द सबमिट अ फॉर्म, कह रहे हैं यहाँ पे ना। अच्छा बाय द वे अब ये तरीका शायद मैं कहूँगा कि पुराना हो गया, ये कह रहा है कि हिडन फॉर्म का एक फील्ड लगा देते हैं और उसको ना प्रोग्रामेटिकली उसको फिल कर देता है वो फॉर्म ऑथर जो बनाने वाला है वेबसाइट, ताकि जब फॉर्म सबमिट हो तो वो वैल्यू भी चली जाए साथ में। मिसाल के तौर पे ये कर सकता है वो कि उसमें लिख दे कि बंदा किस पेज पे था ये फॉर्म फिल करते हुए, उस पेज का URL क्या था उसके, तो वो उसमें फिल करा के साथ में भेज देता है। कह रहा है वो यूज़र को दिखेगा नहीं स्क्रीन पर, लेकिन वो राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके उसको देख सकते हैं। अच्छा इसकी एक एग्जांपल और हो सकती है, असल में ये हिडन मैं CSS से भी करवा सकता हूँ, क्लास के ज़रिए ID के ज़रिए भी करवा सकता हूँ। तो इसकी जो जदीद एक यूज़ केस हो सकता है ना हिडन फॉर्म कंट्रोल का, कि आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है आपका, तो अगर ड्रॉप डाउन में आप पाकिस्तानी सेलेक्ट करते हैं तो एक इनपुट अपेयर हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, अगर आप कुछ और सेलेक्ट करेंगे तो स्टे हिडन रहेगा। तो इस तरह की अगर सिचुएशन हो तो वहाँ पर ये यूज़फुल हो सकता है, कि मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तानी बंदा है तो आप उससे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अलावा सेलेक्ट करें अगर कोई, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक बॉक्स ओपन हो जाए, सही है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए होता है, जैसे अगर आप वीज़ा का फॉर्म फिल कर रहे हैं या आप किसी भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं आप, तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपसे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और अगर आप
नॉन पाकिस्तानी है तो आपसे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन ली जाती है। मिसाल के तौर पर सिम कार्ड अगर आप ख़रीदने के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं और अगर आप नॉन पाकिस्तानी हैं तो आपसे वो क्या लेगा, हाँ पासपोर्ट नंबर आपका डलता है मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जब बाहर जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में तो वहाँ पर सिम ख़रीदने के लिए पासपोर्ट नंबर चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ के नेशनल तो नहीं है, वहाँ का CNIC नंबर तो नहीं होगा हमारे पास, तो वो पासपोर्ट लेते हैं, पासपोर्ट पर एक नंबर होता है आपका जो यूनिक होता है, वो लिख देते हैं, लंबा सा नंबर होता है। तो इस तरह के हिडन फॉर्म कंट्रोल्स उस सूरत में हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं कि मैं प्रोग्रामेटिकली जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए बैकग्राउंड में मैं बोलूँगा यार जैसे ही पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा सेलेक्ट करे नेशनैलिटी तो ये एडिशनल कर दो या इसको फ्लिप कर दो फॉर्म को कि जो CNIC उसकी जगह पासपोर्ट नंबर आ जाए और CNIC हिडन हो जाए। तो ये हिडन फॉर्म कंट्रोल स्टिल फैशन में है लेकिन इस पर्पज़ के लिए। यार ये पता है क्या है, कोई ना सर एक इमेज बटन वाली ट्राई, इमेज बटन जो है ना वो पता है क्या है, देखो गौर से देखो इसको, ये बटन का टैग ओपन है ना, ये बटन का टैग क्लोज है, ठीक है, और बटन में ऐड लिखा हुआ है, सही है, और इस बटन के अंदर एक पूरा इमेज का टैग लगा हुआ है। तो मिसाल के तौर पे ये कुछ इस तरह की एग्जांपल है कि मैं बटन पे ना अपलोड तो लिखा हुआ है मैंने ये, लेकिन अपलोड से पहले मैं इस जगह पे एक IMG का पूरा टैग लगा दूँगा, ऐसे करके लगा दूँ तो क्या होगा, पहले ये इमेज दिखेगी फिर अपलोड लिखा हुआ आएगा। तो उन्होंने प्लस का एक छोटा सा एक इमेज लगाया हुआ एक्चुअली, ठीक है, और SRC में यहाँ से मैं कोई भी इमेज दूँगा तो उसको पता चल जाएगा। तो ये लगा कर देखिएगा, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, इसमें मेरे ख्याल है कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर होगी तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब बहुत ज़रूरी आइटम ये है कि फॉर्म कंट्रोल्स पे लेबल होना चाहिए आपके। कौन मुझे बताएगा कि ये लेबल क्या चीज़ होते हैं और हम क्यों लगाते हैं? नहीं, ये मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि बुक पढ़ लिया करें थोड़ा सा आगे, तो मैं वो चेक करने के लिए पूछ रहा हूँ ये सवाल कि कोई है ऐसा जिसने बुक पढ़ी है क्या? जी पहचान के लिए नहीं, मगर पहचान में तो अभी भी आ रहा है ना, ये तो योर बायो योर पासवर्ड अभी भी लिखा हुआ है। मेरा कास्ट हो रहा है नहीं, ये मैंने तो Audi 1-2-3 पे किया हुआ है। चले मेरी पिक्चर जी, मतलब वहाँ पे जो है आपका गूगल वगैरह शो हो रही है। मेरी ये स्क्रीन शो हो रही है, कौन सी हो रही है? नहीं वो जो है एक ही जगह रुकी हुई, लेकिन स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है, मैं देख लेता हूँ। एक मिनट दिखाया, गूगल आ रहा है, आप अपनी शेयर करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। असल में ये डिवाइसेस ना, ये होम डिवाइसेस हैं, ये कॉरपोरेट डिवाइसेस नहीं है। ये जो आके वाला लगा हुआ ना Google TV, जो ये Google TV है असल में, ये जो लगा हुआ है इधर, तो ये TV डिवाइसेस हैं, होम डिवाइसेस हैं ये। इसमें क्रोम कास्ट का एक फीचर होता है कि आप अपनी स्क्रीन को मिरर कर दें, तो इसमें इस तरह के ना प्रॉब्लम हैं, ग्लिच्स हैं। दोबारा से इसको करें जरा, सी मोर पे स्क्रीन मोर पे Audi 1, Audi 2, Audi। जी हाँ, तो हम ये सवाल ये था हमारा, कहाँ चला गया सवाल, ये सवाल था हमारा। सर्वर पे तो ये लेबल, ये जो लेबल है ना ये सर्वर पे नहीं जाएगा। जी
और कोई? हाँ भाई, लेबल, व्हाई वी यूज लेबल इन फॉर्म कंट्रोल? एक दो लोगों ने वैसे सही जवाब दिया है, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ और ओपिनियंस आ जाए डिफरेंशिएट करने के लिए. नहीं, सेपरेट क्या मतलब सेपरेट? ये अभी भी तो सेपरेट ही दिख रहा है. ये अभी ये फॉर्म जो अभी दिख रहा है ना, लेबल ऐड करने के बाद ये एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा. एक डॉट का भी फर्क नहीं होगा इसमें. नहीं, उस पर भी कुछ नहीं आएगा, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा. एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा जैसा ही अभी दिख रहा है. माउस ले जाने पे, हवर करने पे, हर तरह से ही ऐसा ही दिखेगा लेबल लगाने के बाद भी. तो लेबल हम क्यों लगा रहे हैं? यूजर एक्सपीरियंस में क्या ऐसा बेहतर होगा? यूजर को दिख ही नहीं रहा जब वो, यूजर को कुछ किसी भी तरह नहीं दिखेगा. लेबल अगर मैं लगाऊं या ना लगाऊं सेम दिखेगा. अच्छा, ये लेबल सर्वर पे भी नहीं जाएगा? सर्वर पे तो ये जाएगा ना नेम, ये जो नेम लिखा हुआ है ये जाएगा सर्वर पे. नहीं, यूजर को दिख ही नहीं रहा वो, माउस ले जाने पे भी नहीं दिख रहा. यूजर को दिखेगा ही नहीं वो. जी, स्क्रीन रीडर के लिए. स्क्रीन रीडर बोल के बताएगा. नहीं, अभी अगर मैं इसको, अभी अगर मैं स्क्रीन रीडर पे लगाता हूँ तो यूजर नेम तो लिखा हुआ है, वो तो वैसे भी पढ़ देगा स्क्रीन रीडर. लाउड बोलेगा? नहीं, लाउड क्यों बोलेगा? बात तुमने सही की है, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं मुझे मिला जवाब. सिमेंटिक टैग कहलाएगा, ये सुनना चाह रहा था मैं. अरे नहीं शो कराएगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं दिखेगा यूजर को जब तो. भाई मैं ये सुनना चाह रहा था, ये जो उसने बताया ना सिमेंटिक टैग था, सही है, ये सिमेंटिक टैग है. सिमेंटिक टैग क्या करता है? शुरू में चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस हुआ था. सिमेंटिक टैग यूज़र को डिस्प्ले, स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता सिमेंटिक टैग, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा होता है वो ब्राउज़र को, या जो दूसरी मशीन आपकी वेबसाइट को विज़िट करती है, या स्क्रीन रीडर आपकी वेबसाइट को जब विज़िट करती है. सही है, एक विजुअली इम्पेयर्ड बंदा जब स्क्रीन रीडर के ज़रिए खोलता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है. अब उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को वो स्क्रीन रीडर कैसे इंटरप्रेट करता है वो उसका मसला है, लेकिन मिलती है उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सिमेंटिक टैग की वजह से. ठीक है, जो दूसरे सर्च इंजन जो आते हैं मेरे पास, यानी जितने भी गूगल वगैरह के सर्च इंजन हैं, क्रॉलर टू बी मोर एक्यूरेट, क्रॉलर उनका एक स्क्रिप्ट होता है, एक मशीन होती है, एक फॉर लूप होता है एक्चुअली, वो चलता है पूरे दुनिया की वेबसाइट में घूमता है, हर वेबसाइट पे जाके विजिट करता है, उसमें से डेटा को फेच करके इंडेक्स करता है अपने पास. तो उस क्रॉलर को, उस सर्च इंजन वाली मशीन को मेरी वेबसाइट जो सिमेंटिक टैग्स हैं उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है जो उसके लिए यूज़फुल होती है. एज अ यूज़र किसी को कुछ नहीं दिखेगा कि यूज़र को क्या अलग है, लेकिन उस मशीन के लिए वो यूज़फुल होता है. तो अब ये भी कहना मुश्किल है कि वो किस किस के लिए यूज़फुल होता है. ठीक है, बट HTML5 के स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे वो लगाना चाहिए तो मैं लगाऊंगा वो. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सर्च इंजन को, सर्च इंजन वाला जो आया है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो, मिल तो जाएगा उसको, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो उससे फ़ायदा उठाए, लेकिन वो उसका मसला है, वो मेरा मसला नहीं है. स्क्रीन रीडर को वो मिल तो जाएगा कि इस इनपुट का ये लेबल है. अब स्क्रीन रीडर उसको यूज़र को लाउड बताता है नहीं बताता वो उसका मसला है. अच्छा स्क्रीन रीडर होगा तो शायद बताएगा कुछ बेहतर तरीके से उसको, क्योंकि स्क्रीन रीडर का काम ये है कि जो है ना स्क्रीन पे वो बोल के बता रहा है जुमले की सूरत में, तो उसको शायद बेहतर जुमला कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प मिले.
इस लेबल की वजह से। लेकिन अगर वो नहीं भी करता ना तो मैं फिर भी लगाऊंगा, क्योंकि HTML5 का स्टैंडर्ड मैंने फॉलो करना है। ठीक है, ब्राउजर्स भी, जो ब्राउजर्स हैं जितने भी, वो भी क्या करते हैं, सारे ब्राउज़र HTML5 को एज इट इज़ पूरा फॉलो नहीं करते, लेकिन मैं HTML5 को फॉलो करूँगा। ठीक है, ब्राउज़र कभी ना कभी कर ही लेगा। तो वेल, तो हमें ये देखना है कि HTML5 हमें क्या कहता है, हम वो लगाएंगे। अच्छा, अब आके ज़रा देखते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये मिल क्या रही है। देखो, कंप्यूटर को ना ये नहीं पता चल रहा कि ये यूज़र नेम जो लिखा हुआ ये क्या है। अगर कोई मशीन आके इस HTML को रीड करती है तो उस मशीन को ना ये समझ नहीं आएगा कि ये यूज़र नेम क्या है। ठीक है, हाँ, अब ये इनपुट तो उसको पता चल गया, ये इनपुट उसको पता चल गया, इसका जो नेम है सर्वर पे जाने वाला, यूज़र नेम पता चल गया, ये उसको समझ आ गया। लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये इनपुट के अंदर जो है जो लेबल, इसके हमें तो दिख रहा है ना, ऐसा ह्यूमन हमें दिख रहा है, ये पड़ोस में यूज़र नेम है तो यही लेबल है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता है। कंप्यूटर को हमें बताना पड़ेगा कैसे, ऐसे करके लेबल। अब कंप्यूटर को ये पता चल गया कि ये लेबल है, ये इनपुट है, लेकिन अभी भी उसको ये नहीं पता चलेगा, मतलब प्रोग्रामेटिकली ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है अभी भी कि ये लेबल इस वाले इनपुट का है या इस वाले इनपुट का है। प्रोग्रामेटिकली अभी भी ये पता नहीं लगा सकता। एडजेसेंट होना सिर्फ काफ़ी नहीं है ना, एक तो हम ये तरीका हो सकता है ना कि यार जब लेबल के एडजेसेंट है ये इनपुट तो ये इसी का ही होगा। ठीक है, लेकिन हम अभी देखेंगे नीचे कि एक लेबल होगा, तीन इनपुट होंगे, तो उस सूरत में फिर क्या करेगा कंप्यूटर। तो हम उसमें बताते हैं इस इनपुट को ना एक देते हैं आईडी, आइडेंटिफिकेशन, और उसका हम नाम रख देते हैं कुछ भी, यूज़र नेम। और हम कहते हैं कि इस इनपुट की आइडेंटिटी यूज़र नेम है और ये लेबल है फॉर यूज़र नेम। अब इसको पता चलेगा कंप्यूटर को कि अच्छा यार ये लेबल कौन से इनपुट के साथ एसोसिएटेड है। सही है, मिसाल के तौर पे जब वो ये लेबल उठाएगा, लेबल के टैग से उसको समझ आ जाएगा कि ये लेबल है। अच्छा, स्क्रीन पे कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, ये देखो स्क्रीन पे बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, गोया कि मैंने कोड में कोई चेंजेस नहीं किए, लेकिन ये सेमेंटिक टैग है। तो तो उसने देखा लेबल है ये, और लेबल किसके लिए है, इस आईडी से वो इनपुट उठा के उसको पता चल गया अच्छा ये लेबल इसके लिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी यही काम करूँगा, मैं बोलूँगा लेबल, और इसको मैं लेबल के अंदर कर दूँगा, और मैं यहाँ पे एक आईडी दूँगा इसको, पासवर्ड कोई भी आईडी दे सकता हूँ मैं। हाँ, ये आईडी देते हुए मुझे ये ख्याल रखना पड़ेगा कि यही आईडी मैं पहले किसी दूसरे एलिमेंट को तो नहीं दे चुका। ठीक है, वो फिर अलाउ नहीं करता कि एक ही आईडी में दो दो एलिमेंट को दूं, ये अलाउड नहीं है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी करूँगा फिर लेबल और टेक्स्ट एरिया को मैं एक आईडी दे दूँगा कि आप क्या हो, बायो हो। सही है, और यहाँ पे मैं बोल दूँगा कि बायो हो गया। सही हो गया। अच्छा, अब रेडियो बटन के केस में आप देख रहे हो लेबल एक है और इनपुट तीन है। सही है जी, बस अभी भेज दो तुम। तो अब रेडियो बटन में लेबल कैसे लगेगा, ये देख रहे हो रेडियो बटन है ये वाला। सही है। अच्छा, रेडियो बटन के अंदर प्रोग्रामेटिकली अगर हम देखें ना, तो हमारे पास ये एक बात लिखी हुई है, क्वेश्चन है, एक लेबल है और तीन इनपुट्स हैं। अब क्या करेंगे, असल में अगर आप गौर से देखें ना, तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये लेबल नहीं है, ये कुछ और है, ये तो ऐसे ही बात लिखी हुई है। असल में तो लेबल ये है ना, देखो इनपुट कौन सा है, इनपुट ये गोल वाला है और इसका लेबल ये है, ये गोल वाला है, इसका लेबल ये है, ये गोल वाला है, इसका लेबल ये है। ये कुछ भी नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस फॉर्म के अंदर। सही है, तो हम वापस आएंगे और ये इनपुट देख रहे हो, इस इनपुट के बाद जो ये लगा हुआ है ना, ये बेनामी सा एक लगा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं दूंगा, इसको बोलूँगा भाई तुम लेबल हो। यहाँ पे भी बुक में इन्होंने यही किया हुआ है, आप देखें कि पहले एक इनपुट है, उसके बाद लेबल है फीमेल, तो इस इनपुट से क्या बन गया, ये गोल सा एक सर्कल बन गया,
और उसके बाद फीमेल इज अ लेबल। अच्छा ऊपर जो जेंडर लिखा हुआ है ना वो कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सही है, तो आ जाते हैं हम जल्दी से और इन तीनों को, अभी हम टाइम हमारे पास कम हो गया। लेबल लिखा मैंने और मैंने कहा कि भाई इन सबको मैंने लेबल बता दिया। सही है, अब मेरे पास क्या है, तीन इनपुट है तो तीन ही लेबल है साथ साथ। अब फॉर मैं इसको कैसे दूंगा वो भी यहाँ के पता चल रहा है कि हर इनपुट को एक अदद आईडी दी हुई है, तो मुझे हर इनपुट को यहाँ पे एक अदद क्या देनी पड़ेगी, आईडी देनी पड़ेगी। और मैंने इसको जो आईडी यहाँ लास्ट में बात लिखी हुई थी ना नाम, यही मैंने इसको आईडी भी दे दी। सही है, और मैंने नीचे आके फॉर को भी यही वाली बात बता दी। सही है, तो ये मेरा क्या हो गया, लेबल बिल्कुल रेडी हो गया। स्क्रीन पे ये जैसा पहले दिख रहा था अभी भी वैसा ही दिख रहा है, स्क्रीन पे कुछ भी चेंज नहीं आया। लेकिन प्रोग्रामेटिकली अब इस फॉर्म को सर्च इंजन के लिए ना रीड करना आसान हो गया कि अच्छा इसमें कितने इनपुट्स हैं और हर इनपुट का लेबल क्या है एक्चुअली। ठीक है, अब अगर मैं प्रोग्राम के ज़रिए इस फॉर्म को ना एक स्प्रेडशीट बनाना चाहूँगा कि भाई ये लेबल है उसके अगेंस्ट ऐसे टाइप का इनपुट है, ये लेबल है उसके अगेंस्ट ऐसे टाइप का इनपुट है, तो बहुत ईजिली बन सकता है वो। ठीक है, तो अभी आप लोग नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, फिर वापस आके हम थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर छुट्टी करते हैं। इनपुट के लिए लगेगा, हाँ इनपुट के लिए। अच्छा लेबल एक दो जगह और भी लगता है, वो अभी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह आगे। दीदी हम रेडियो बटन तक हमने लेबलिंग कर ली थी, अब सेम काम हमने इधर भी करना है, ये लास्ट एफएम वाला जो है ना इसमें भी करना है सेम काम। सही है, और मैंने कहा कि लेबल, सही है लेबल लगा दिया मैंने, और अभी मैंने इसके अंदर क्या लगाना है, आईडी लगानी है और फॉर लगाना है, राइट। तो मैंने कहा कि भाई वैल्यू 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 आईडी मैंने इसको ये दे दी, और यही सेम चीज़ मैं इसको यहाँ पे फॉर के अंदर पास कर दूँगा। तो ये इसकी क्या हो गई, लेबलिंग कंप्लीट हो गई, किसकी, चेकबॉक्स की। अब लास्ट में मुझे लेबल देना है, इस सिलेक्शन बॉक्स को लेबल देना है, तो सिलेक्शन बॉक्स को लेबल देना इन्होंने कैसे बताया हुआ है यहाँ पे, ज़रा देख लेते हैं। अच्छा यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ सिलेक्शन बॉक्स को लेबल देना, वेल सिलेक्शन बॉक्स को लेबल देना आसान है कि हम इसका जो लेबल है ना वो ये वाला लेबल है। सही है, जो ये क्वेश्चन है ये लेबल है हमारा। ओके, एक दफ़ा हम गूगल पे अलग से देख लेते हैं। अच्छा इसकी जो लेबलिंग होगी वो इस तरह से होगी, ऊपर भी होगी टॉप पे और अंदर भी लेबल का एक एट्रीब्यूट है वो भी लगेगा। सही है, यहाँ पे सेलेक्ट के साथ ना इसका लेबल भी लगेगा कि इसका लेबल क्या है, मतलब वैल्यू तो लग रही है बट लेबल भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेबल लगा दिया, जो इसकी वैल्यू थी वही मैंने सेम लेबल भी दे दिया इसको, और यहाँ पर भी इसको ठीक है लेबल फॉर, और मैंने इसको आईडी एक पास कर दी डिवाइसेस, और मैंने इसको यहाँ दे दिया डिवाइसेस। अब यहाँ पे आप नोट करें कि ये पैराग्राफ एक बिल्कुल अलग पैराग्राफ है और इसके अंदर लेबल बिल्कुल अलग लेबल है, इसके एडजेसेंट कोई इनपुट बॉक्स नहीं है। जैसे हम अभी सोच रहे थे ना कि एडजेसेंट है तो वही लेबल होगा, लेकिन ये तो एडजेसेंट नहीं है, ये दूर है काफ़ी, एक अलग जगह पर बना हुआ है, और ये लेबल किसके लिए, इस सिलेक्शन बॉक्स के लिए। सही है, ठीक हो गया जी।
अच्छा, मैं यही देख रहा हूँ कि ये रेडियो बटन में भी तो होना चाहिए था। रेडियो बटन में ये क्यों नहीं था? रेडियो बटन में इन्होंने लेबल कैसे दिए? अच्छा, रेडियो बटन में जैसे हमने दिया है लेबल उसी तरह ही लगेगा, उसी तरह लगेगा, लेकिन सेलेक्ट बॉक्स को लेबल देने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। सेलेक्ट बॉक्स में क्वेश्चन को भी लेबल दे रहे हैं और हर ऑप्शन को अलग अलग लेबल दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने तो यार जो HTML5 जो बता रहे हैं हमने वो पकड़ लेना है, सीधा सीधा उसको करना है। अच्छा, HTML5 की जो सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट है वो MDN है, तो मैं MDN पे जाके क्या लिखूँगा, सेलेक्ट लिखूँगा और HTML5 लिख दूँगा। सही है, तो ये सेलेक्ट आ गया। ये मोज़िला वालों ने बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन बनाई है इसकी, तो इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो इसमें भी इन्होंने लेबल जो है इस तरह करके लगाया। अच्छा, इन्होंने हर ऑप्शन को अलग-अलग लेबल पास नहीं किया है, जैसा कि W3 स्कूल में मेंशन किया था उन्होंने। ठीक है, मैं वही देख रहा हूँ कि ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन ज़ाहिर है यहाँ पे लेबल अगर मैं पास करूँगा तो ऑप्शन के अंदर लेबल का एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो मैं अभी ऑप्शन का टैग इधर देखूँगा ना नीचे जाके, ये ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ऑप्शन के अंदर क्या क्या पॉसिबल एट्रीब्यूट्स है ना वो मुझे यहाँ दिख जाएगा। सही है, लेबल का है एट्रीब्यूट यहाँ पे। दिस एट्रीब्यूट इज अ टेक्स्ट फॉर द लेबल इंडिकेटिंग द मीनिंग ऑफ द ऑप्शन। सही है, हाँ ये लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने कोड एग्जाम्पल में लगा कर नहीं दिखाया, लेकिन मौजूद है ये, तो ठीक है मौजूद है तो हम लगा देते हैं। वेल, तो ये हमने जनाब लेबलिंग थोड़ी देख ली। अच्छा, ग्रुप कर सकते हैं हम एलिमेंट्स को आपस में। मिसाल के तौर पे मेरा अगर फॉर्म लंबा हो रहा है तो मैं एक बायो के डेटा का टॉप पे अलग सेक्शन बना देता हूँ, फिर फॉर ऑफिस यूज़ का एक अलग सेक्शन बना देता हूँ। तो मेरे केस में कितने मेरे पास सेक्शन बन सकते हैं? मैंने कहा शुरू वाला जो तीन पार्ट है ना, ये अबाउट यू है मिसाल के तौर पे, एक सेक्शन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगा दूँगा आपका फील्ड सेट, और फील्ड सेट को मैं ख़त्म कहाँ पे करूँगा, 1, 2, 3 यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो फील्ड सेट बनाते ही आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, क्या हुआ इसको। अच्छा, गो लाइव दोबारा प्रेस करना होगा। ये एक बॉक्स बना कर दे दिया इसने। अच्छा, इस बॉक्स पे अगर मुझे लेजेंड लगाना है, ठीक है, लेजेंड भी काइंड ऑफ एक लेबल होता है। सही है, तो लेजेंड में ना मैं लिख देता हूँ अबाउट यू, तो ये इस तरह से ना यहाँ पे अबाउट यू लिख के बना देगा। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह मैं नीचे दूसरा एक पोर्शन बना लेता हूँ, एक और फील्ड सेट बनाता हूँ मैं। सही है, और इसमें भी एक लेजेंड बनाता हूँ। सम टाइटल, और इसको मैं ख़त्म करता हूँ बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, अपलोड के बटन तक इसको मैं ले जाता हूँ। तो अब आप देखें दूसरा पार्ट है ना जो, वो बिल्कुल लास्ट तक आ गया। तो इस तरह मैं दो या तीन पार्ट में अपने फॉर्म को मैं डिवाइड कर सकता हूँ लेजेंड और फील्ड सेट के जरिए। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। अच्छा, वैलिडेशन उसके बाद आ जाती है एक लास्ट हमारा टॉपिक। अच्छा, वैलिडेशन जो थी ना हमारी, एक काइंड ऑफ वैलिडेशन हमने पहले भी पढ़ी है। वो क्या थी कि मैक्स लेंथ इतना होगा, मिनिमम लेंथ इतना होगा। सही है, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी, लेकिन अब ये एक स्पेशल काइंड ऑफ वैलिडेशन है जो HTML5 में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ठीक है, ये कब आती है, ये फॉर्म सबमिट के बटन दबाने पे आपको शो करता है। मिसाल के तौर पे यूज़र नेम जो है ना, यूज़र नेम का जो इनपुट है, इस पर मैं मैंशन कर सकता हूँ कि ये रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं यहाँ पर आके सबमिट का बटन दबाऊँगा तो ये मुझे फ़ौरन क्या बोलेगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। उसके बगैर मुझे जाने नहीं देगा ये। ठीक है, तो अब इसमें वैलिडेशन क्या क्या मौजूद है हमारे पास, आके देख लेते हैं। अच्छा, इन्होंने रिक्वायर्ड ही बताया है कि रिक्वायर्ड है ये। सही है, इसके अलावा भी होती है भाई, दबा रिक्वायर्ड के अलावा भी होता है। सही है, अच्छा इसी तरीके से अगर मैं इस पर टाइप लगा दूंगा ना ईमेल, तो मैं गलत अगर लिखूंगा तो वो ईमेल पे मुझे वो बोलेगा कि भाई 2 कम से कम। ठीक है, एक मिनिमम लेंथ होती है, एक मैं यहाँ पे मैक्स लेंथ तो लगी हुई है ना, एक मिन भी होता है, मिन लेंथ।
मैंने कहा मिन लेंथ कम से कम 3 होना चाहिए। तो अब जब तक मैं 3 इस पे कैरेक्टर नहीं लिख दूंगा ना, ये मुझे क्या बोलेगा, ये मुझे बोलेगा कि भाई आपकी लेंथ जो है ना 3 है, आप एक करके कैसे सबमिट कर रहे हो, ये बोलता रहेगा मुझे। ठीक है, उसके अलावा प्लेस होल्डर का एक दोस्त पूछ रहे थे, एक प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट होता है। अच्छा, ये सारा HTML के अंदर होने वाला काम है, ये CSS में नहीं होगा, ये जावा, ये होगा HTML से ही सारा काम जो अभी हो रहा है। प्लेस होल्डर में क्या होता है कि एंटर योर यूज़र नेम, तो ये पहले से ना यह लिखा हुआ रहा होगा, जैसे ही आप कुछ टाइप करेंगे वो गायब हो जाएगा। तो ये भी एक गाइडेंस के लिए होता है, अगर आप यूज़र को गाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि यार ईमेल और यूज़र नेम, वैसे तो ये फील्ड पे लिखा हुआ है यूज़र नेम, लेकिन आप अगर बताना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे ईमेल और यूज़र नेम दोनों को लिख सकते हो, ऑप्शनल है, तो आप इस तरह करके बता सकते हैं। तो प्लेस होल्डर हमारे पास, ये वैलिडेशन से ताल्लुक़ नहीं है प्लेस होल्डर का, लेकिन वैसे ही मुझे याद आ गया अभी। ठीक है, अपर और लोअर केस पे वैलिडेशन नहीं होती इसमें HTML5 में। हाँ, वो हम लगाते हैं, वो बता देता हूँ कैसे लगेगा वो। पासवर्ड वैलिडेशन ना रिजिक्स से लगती है, रेगुलर एक्सप्रेशन। सही है, W3 School लिख देते हैं ज़रा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल बता रहा है। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन ना मतलब HTML स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, ये अलग से एक पूरी लैंग्वेज है रेगुलर एक्सप्रेशन के नाम से। ये क्या होता है, स्ट्रिंग को ये वैलिडेट करने के काम आता है। सही है, और इसको हम लगाते हैं किस तरह से, हम ऐसे लगाते हैं, पैटर्न करके देते हैं, हम पैटर्न करके ना, मैंने ये पूरा कॉपी किया है यहाँ से, और मैंने अपने पासवर्ड पे आके क्या लगा दिया, ये पैटर्न पेस्ट कर दिया। अच्छा देखो, मैंने पैटर्न पेस्ट किया है, और पैटर्न के अंदर ना एक ये तुम्हें कीड़े मकोड़े से दिख रहे होंगे। सही है, ये एक्चुअल में कीड़े मकोड़े नहीं है, ये एक बात लिखी हुई है रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखी हुई है। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आपको आना चाहिए, इसका जवाब है नहीं, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर एक्सप्रेशन ना बिल्ड भी हो जाते हैं, बिल्डर होते हैं इसके बहुत सारे। जैसे अभी मैंने लास्ट जो एक वेबसाइट खोली थी ना, वो एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन का बिल्डर था। वो कहाँ गया, ये रहा, पासवर्ड वैलिडेशन rejix.com। तो इसमें ना आप बना भी सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें ड्रैग ड्रॉप का कोई चक्कर होता है, उससे आप ना बना सकते हैं। अब जैसे ऊपर ये लिखा हुआ है ना, देखो हाथ रखा मैंने, बता देगा ये कि इसका क्या मतलब है, इस ए से जेड का क्या मतलब है, कि ए से लेके जेड तक मैच करेगा, इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, कैरेक्टर सेट इसका क्या मतलब है। तो ये प्ले ग्राउंड इस तरह के बने हुए हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी पूछे होते हैं स्टैक ओवरफ्लो पे, कि यार मुझे 6 कैरेक्टर और कैपिटल स्मॉल दोनों, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, तो लोगों ने बताया होता है, आप उसको एक दफ़ा चला के देख लें, हाँ वो सही चल रहा है, तो दैट्स इट। ठीक है, तो इसको आना आपको ज़रूरी नहीं होता, और इसका बहुत कम यूज़ होता है, मतलब जहाँ पे आपको मैच करना होता है, एक स्ट्रिंग में पैटर्न मैच करना होता है, वहीं पे यूज़ होता है। हाँ, अगर आप डेटा साइंस वगैरह की तरफ जाते हैं इन फ्यूचर, तो वहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें सर्च वगैरह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास जो डेटा सर्च करेंगे हम, वो तो डेटाबेस में क्वेरी लगाएंगे हम, और क्वेरी इस तरह नहीं लगती, वो उसका एक जेसन अलग होता है, वो बड़ा आसान होता है, वो ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, स्टिल बेहतर ये है कि आपको आ जाए तो बेहतर है, नहीं आए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता ये अभी तक। मुझे भी जब बनाना होता है तो मैं बिल्डर से जाके या तो बना लेता हूँ, और पास्ट में मैंने जो बनाए हैं ना रेगुलर एक्सप्रेशन, वो मेरे पास कहीं ना कहीं गिटहब में पड़े हैं, तो उसी को उठा के रीयूज़ कर लेता हूँ मैं, ताकि वो मुझे दोबारा से उसको टेस्ट वेस्ट ना करना पड़े, तो इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके अलावा मैंने क्या दिया, इसके अलावा मैंने टाइटल दिया है। टाइटल क्या चीज़ है कि एक तो बिल्ट इन मैसेज है ना, कि भाई प्लीज़ फिल आउट दिस, उसकी जगह मैं चाहता हूँ कि दूसरा मैसेज आए मेरे मतलब का, तो मैं टाइटल करके दे दूँगा ये। ठीक है, तो देखो जो यहाँ लिखा हुआ है ना वही आएगा। अच्छा, आ जाते हैं इसको चला के देखते हैं इसको। अच्छा, तो अब देखो, अब मैं सबमिट करूँगा तो ये बोलेगा प्लीज़ फिल आउट दिस, तो मैंने कहा भाई कुछ यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने, फिर मैंने अपलोड का बटन दबाया तो हो गया। अच्छा, रिक्वायर्ड नहीं लगाया था ना मैंने पासवर्ड को,
पासवर्ड को रिक्वायर्ड भी तो लगाना पड़ेगा कि भाई ये चाहिए। अपलोड प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अच्छा अब मैं लिखूँगा 1, 2, तो देखो नीचे वही बात लिखी हुई आ रही है जो मैंने वहाँ लिखी थी कि प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, मस्ट कंटेन एटलीस्ट दिस। अब मैं वो जब तक पूरा नहीं करूँगा उस फॉर्मेट को, ये आता रहेगा। ठीक है, इसमें नंबर भी एक इंक्लूडेड है और क्या है, स्पेशल कैरेक्टर भी है। अच्छा एक अपर केस है, सही हो गया, सही है, अब सबमिट हो गया ये। ठीक है तो ये अभी लिख दिया मैंने कोड यहाँ पर, तो ये भी पढ़ा है, इसी को ही रीयूज़ कर लेना मे बी। ठीक है जी, तो ये हमने पासवर्ड कैसे मैच होता है वो देख लिया, ये भी एक तरह की वैलिडेशन है। और अच्छा अभी बुक में बस ये वैलिडेशन इतनी ही कवर हुई हुई है, लेकिन हम अलग से लिख लेते हैं HTML5 वैलिडेशन। तो अगर एक दो चीज़ें और भी इसमें हैं वो भी। नॉट लाइक दिस, वो एक W3 स्कूल पे ना इन्होंने एक बनाया हुआ है, वो बड़ा अच्छा है। अच्छा ये ना सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो जो इनपुट के टैग पे लग सकते हैं, तो यहाँ पे ना मिन मैक्स आ गया हमारे पास एक। अच्छा मिन मैक्स किस पे लगता है, नंबर के टैग पे लगता है। कोई अगर मैंने पूछा है ना कि यार व्हाट इज़ योर एज, तो वहाँ पे अगर टाइप अगर नंबर है तो वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास एक इनपुट यहाँ पर है, इसकी टाइप अगर नंबर है तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ मिन इसके अंदर जो है ना भाई 18 होना चाहिए और मैक्स इसके अंदर क्या होना चाहिए 30। समझ रहे हो, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एज और ऐसे करके मैंने नंबर पूछा हुआ है। सही है, इसको भी नए पैराग्राफ में डाल देते हैं। वो बोलेगा कि भाई मिनिमम एज 18, दैट्स इट। इसको रिफ्रेश किया मैंने, अब एज में मैंने लिखा है ना अगर 4। अच्छा इधर भी कुछ लिखना पड़ेगा और इधर भी कुछ, सब लिखना पड़ेगा कैपिटल स्मॉल, तब जाके वो नीचे वाले पे लाएगा। ठीक है, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 18, दैट्स इट, बहुत ही ईजी है ये। अच्छा मिन मैक्स एट्रीब्यूट समझ आएगी, ये डेट उस पर इस पर लगेगा, ये आपका इन नंबर पे। अच्छा डेट पे भी लगेगा, डेट इनपुट अभी हमने नहीं देखा, वो बुक में भी डिस्कस नहीं किया हुआ उसने। एक टाइप उसकी डेट भी होती है, एक टाइप कलर भी होती है, वो सब आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसा कि आप ये समझ रहे होंगे कि टाइम क्लास का टाइम आपका हो चुका होगा। हाँ नहीं, बुक में कलर इनपुट डिस्कस नहीं है, टाइप कौन सी डेली बुक, डेट इनपुट भी है, टाइम इनपुट भी है, कलर इनपुट भी है, और भी बहुत सारे इनपुट हैं, एड्रेस इनपुट है, फ़ोन नंबर इनपुट है। फॉर्म नहीं, नहीं जीमेल, जीमेल कहाँ लिखा हुआ, नहीं नहीं जीमेल कहाँ लिखा हुआ, URL था ना, नहीं वो तो अभी हमने हटा दिया, नहीं नहीं अभी तो मैंने खुद हटाया है, वो मैंने रीज़न भी आपको बता दिया कि क्यों हटाया मैंने उसको। वेल तो पॉइंट मेरा ये है कि भाई ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा खुद से भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि 2 घंटे की क्लास में मैं इतनी सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता। तो बुक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो जाहिर है मैं करूँगा कवर, लेकिन स्टिल बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो बुक में डिस्कस नहीं हुई हैं। तो फाइल ये W3 स्कूल पर जाके ना ये वाला ज़रा डॉक्यूमेंट देख लेना। ठीक है, ये पैटर्न एट्रीब्यूट भी हमने कवर कर लिया जी। डेट इनपुट है, अच्छा वो हाँ, तो उसको चला के देख लेना, सबको लाजमी चला के देख लेना। ठीक है, अच्छा प्लेस होल्डर का भी जिक्र यहाँ पे हुआ है। अच्छा उसके अलावा देखो टाइप में ना एक टेलीफोन है, एक टाइप टेल, सही है। और हमारे पास क्या है भाई, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, रिक्वायर्ड लगा देंगे, उसके बगैर सबमिट नहीं करने देगा। एक स्टेप एट्रीब्यूट है, स्टेप एट्रीब्यूट क्या होता है कि नंबर वाले में ना आप देखते हैं स्टेप बना हुआ आ जाता है छोटा सा चुना वन्ना सा, है ना, ये देख रहे हो स्टेप ऐसे दबा रहे हैं 20, 21, 22, 23, 24, तो वो स्टेप कितने स्टेप ऊपर जाए एक दफ़ा क्लिक से, तो इसने बोला भाई 3 स्टेप ऊपर जाए, तो वो 1 से डायरेक्ट 3 होगा, 3 से 6 होगा, या अगर 10 है तो डायरेक्ट 13 होगा। ठीक है, तो स्टेप क्लिक से कितने स्टेप ऊपर जाएगा। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट, अच्छा ऑटो फोकस ये होता है कि पेज लोड होते ही ना वहीं पर कर्सर आ रहा होगा पहले से। अभी हमारे केस में क्या होता है, जब पेज लोड होता है तो कुछ भी नहीं आता, हमारा जो कर्सर है वो इधर ऐसे तो नहीं हुआ हुआ ना, तो ऑटो फोकस लगाने से इधर हो जाएगा वो, सही है, अगर मैंने वो ऑटो फोकस लगा दिया तो। अच्छा और देखते जाओ हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट, जाहिर है इनपुट बॉक्स का हाइट और विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि वो हम CSS से करें।
ठीक हो गया भाई, ऑटो फोकस हमने देख लिया, बस मेरा ख्याल है यहाँ पे ख़त्म हो गया। वेल कोशिश किया करें कि जो भी आप यहाँ पे टॉपिक पढ़ें ना उसको जाके ख़ुद से भी पढ़ें घर पे ना, तो उससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अच्छा जी, डेट इनपुट जो है उसका कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, डेट इनपुट के भी बारे में बताऊँ, विंडोज़ पे खोलेंगे तो विंडोज़ का एक क्लासिक डेट इनपुट है वो दिखेगा। एंड्रॉयड फ़ोन पे एक डेट इनपुट अपना है उसका, जिसमें गोल सी घड़ी बनी हुई आती है, ऐसे कांटा घुमाते हो आप, है ना, वैसा वाला आएगा। मैक पे खोलोगे तो मैक का अपना एक डेट इनपुट होता है, वो आएगा। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेट इनपुट वाला वो खोलेगा बॉक्स, ठीक है, और आपको मिलता है डेट ऐसे स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट में मिल जाता है डेट। अच्छा, ईमेल इनपुट में क्या होता है कि आप अगर @ और .com नहीं इंक्लूड करते तो वो आपको सबमिट नहीं करने देगा, एरर देता रहेगा, ठीक है। URL के अंदर आप शुरू में http://नहीं लगाओगे तो सबमिट नहीं करने देगा। पैटर्न की बात है, ये सारे पैटर्न आप वो पैटर्न खुद भी लिख सकते हो, लेकिन ये बना हुआ HTML फाइल में। अच्छा, सर्च इनपुट जो है उसमें क्या होता है, बिल्कुल टेक्स्ट इनपुट की तरह होगा, लेकिन जब आप लिखोगे ना एक क्रॉस का बटन होगा, क्लिक करने से वो क्रॉस हो जाएगा, या लिखते लिखते आप एस्केप दबाओगे तो वो खाली हो जाएगा, फिर लिखोगे आप, सही है। तो सर्च इनपुट जो है वो इस तरह का होता है कुछ। अच्छा, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और अब आपने क्या करना है, असाइनमेंट बता दो अभी खुद ही, इतना तो समझ आ गया होगा कि क्या बनाना है। एक आपने फॉर्म बनाना है, ये जो जिस तरह का फॉर्म यहाँ पे लास्ट में बनाया हुआ चैप्टर के इन्होंने, ऐसा फॉर्म कोशिश करना कि बना लो एटलीस्ट। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की लिमिट ये हो सकती है कि जहाँ आपने एडमिशन जो लिया है उसमें एक फॉर्म था, उस फॉर्म को रेप्लिकेट कर दो, ठीक है। तो फॉर्म में जो जो चीज़ें हो सकती हैं, जो जो चीज़ें पॉसिबल हैं, या कोई रैंडमली रियल लाइफ से कोई फॉर्म उठा लेना, होता है ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह के एडमिशन फॉर्म होता है, कहीं पे आर्मी में अप्लाई करने का फॉर्म होता है, कोई भी रियल लाइफ का फॉर्म उठा के उसको बना के देख लेना। जैसे टाइम टेबल बनाया लास्ट, रियल लाइफ की चीज़ बनाई दो ना, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं फिर। तो रियल लाइफ का कोई भी फॉर्म उठा के उसको आप रेप्लिकेट मार देना, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।